गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक के किए थे नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16 नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन हंड्रेड शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग रुपीज थाउजेंड फाइव हंड्रेड इच इन वॉइस एट रुपीज टू थाउजेंड अब जो कंसाइनर है वो नाइकी स्पोर्ट्स है कंसाइनी का नाम दिया उसने एडिडासके तो इसने हंड्रेड शूज यहां पे कंसाइन करा और उसकी कॉस्ट कितनी थी पंद्रह सौ रुपए का एक लेकिन हमने बेचे कितने में बेटा टू थाउजेंड रुपीज इच इन प्राइस पे द कंसाइनर पेड रुपीज टेन थाउजेंड एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रुपीज थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग ट्रांजिट टेन शो टेन शूज वेयर टोटली डैमेज अब यहां से समझिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे कंसाइनर ने कितने शूज भेजा सबसे पहले यहां पे कॉस्ट की बात करते बेटा लेकिन यहां पे जो बेसिक जो उसकी कॉस्ट रहती है उसने किस पे रिकॉर्ड करा यहाँ पे इन वॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड है उसको ओके यह तो ऐसे लिख देता हूँ मैं गुड सेंड ओके अब यहां पे गुड सेंड जो हुआ बेटा वो इन वॉइस प्राइस पे हुआ इन वॉइस प्राइस पे हुआ तो कितने शूज भेजा उसने 1000 शूज कितने शूज भेजा बेटा 1000 शूज एट द रेट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड ईच एक हजार शूज नहीं नॉट थाउजेंड सॉरी हंड्रेड शूज भेजा उसने ओके हंड्रेड शूज एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 थाउजेंड ईच तो ये क्या है बेटा दो रुपए क्या है इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट कितनी थी उसकी पंद्रह सौ भेजा कितने में उसने दो ठीक है अब उसके बाद बेटा यहां पे सेकेंड जो कॉस्ट इनकर्ड करता है ना एक्सपेंसिस जो इनकर्ट करता है जो कंसाइनर इनकर्ट करता है वहां उसने दिया इंश्योरेंस ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट जो उसके पंद्रह सौ तो यहां पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रेट का था टेन थाउजेंड और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का उसने कितना दिया बेटा एक हजार पांच सौ ठीक है अब वो यहां से चला यहाँ पे हमारा ये चलते गया ये ट्रांसपोर्टेशन कब देखते मगर क्या हुआ बेटा रास्ते में लॉस इन ट्रांसिट हुआ क्या हुआ हमारा लॉस इन ट्रांसिट वो हमको कह रहा है कितना हुआ ड्यूरिंग ट्रांसिट टेन शूज वे टोटली डैमेज तो यहाँ पे लॉस इन ट्रांसिट जो रास्ते में जब वो ट्रक था लेके जा रहा था सौ शूज को लॉस इन ट्रांसिट हो गया ठीक है कितने शूज बेटा टेन शूज टेन शूज इसका मतलब यहां पे सौ भेजा था लॉस हुआ? टेन तो आगे हमसे कहता है बेटा, अब 1530 for duty. अब देखो क्या पे? यहां पे जब उसने रिसीव्ड किया सॉरी यहां पे जब उसने रिसीव्ड किया तो कितने शूज रिसीव्ड किया बेटा सौ शूज भेजा था सौ में से

उसके बाद अडिडास बैंक टू स्पोर्ट्स अभी क्या अडिडास तो करेगा लेकिन यहाँ पे कुछ करे फिर उसका यहाँ पे कमीशन भी आता है और कुछ कभी क्या होता है बेटा एडवांसिस भी आते हैं और बैलेंस फिर हम क्या करते भेजते तो बहुत सी चीजें हो सकती है यहाँ पे सेल्स हम देखेंगे आगे बेटा फिर वो उसने एडवांस में हमको पहले ही पैसा कुछ भेज दिया उसके बाद हो सकता है कि हो सकता है नहीं कमीशन तो होगा ही कमीशन हो। ये भी हो सकता है बेटा कि वो कुछ एक्सपेंसेस यहां पे इनकर्ट करे गोडाउन में पहुंचने के बाद और जो भी फिर बैलेंस बचता है वो कंसाइनी किसको भेज देता है कंसाइनर को वो पैसा भेज देता है ओके okay. अब देखो यहां पर क्या हुआ बेटा यहाँ पे हमसे वो कहता है कि पचास हजार रुपए उसने एडवांस भेजा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एडवांस में रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कंसाइनी ने कंसाइन, कंसाइनर को पचास हजार रुपए एडवांस में

नब्बे।, नब्बे में से हमने बेचे कितने अस्सी हमने बेच दिए बेटा तो नब्बे में से अस्सी अगर बेच दिए अस्सी अगर बेच दिए तो आप मेरे को बताओ स्टॉक में कंसाइनी के पास कितने रखे हुए टेन शूज रखे हुए टेन शूज रखे हुए ओके अब आगे कहता है हमें फिर आगे बेटा एक्सपेंसिस इनकर्ड कंपनी गोडाउन रेंट वेयर रुपीज टू थाउजेंड अब यहां पे कुछ एक्सपेंस अपन ने है जैसे गोडाउन रेंट

तो क्या होता है यहां पे फिर कंसाइनी कस्टमर को बेचता है ठीक है अब मेरी बात समझ लो कंसाइनी ने जब इसको भेजा तो उसको इनवॉइस प्राइस पे भेजा किस पे पे भेजा बेटा इनवॉइस प्राइस तो हो सकता है कि कंसाइनी इनवॉइस प्राइस पे ही बेचे लेकिन उससे ज्यादा कीमत पे भी कभी कहता है उसको कहते हैं उस ज्यादा तो कहता है जो भी इनवॉइस प्राइस सपोज इसने एग्जाम्पल इनवॉइस प्राइस यहां पर दी हुई दो हजार इनवॉइस प्राइस है समझ में आ जाएगा बेटा तो ये दो हजार रुपए ईच इनवॉइस प्राइस थी तो बोलता है इस से जितनी भी क्वानिटी बाईस सौ रुपए में बेचा तो दो हजार में तो पहले कमीशन दे दी पांच परसेंट तो जो भी सरप्लस रहा बाविस सो में बेचा दो हजार ईच था तो ये जो दो सौ रुपए सरप्लस रहा ना सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, प्राइस उसपे प्राइस पहले से बढ़ा के भेजी जा रही है तो मैं उसपे तो नॉर्मल पांच परसेंट कमीशन दे रहा हूँ मगर मैं कह रहा हूँ तो, देखो तुम इनवॉयस प्राइस से भी ऊपर बेच रहे हो दो हजार तो ही बड़ी हुई कीमत है पंद्रह सौ उसकी कॉस्ट है उसको बचा मैं बढ़ा के पंद्रह दो हजार में भेज रहा हूं दो हज़ार तो मतलब आप उसको दो हजार पे तो मैं आपको पांच परसेंट कमीशन दूंगा ही उसके ऊपर भी अगर आप सेल करते हो बाईस सौ रुपये में सेल कर रहा है बेटा तो फिर क्या होगा तो उससे ऊपर में भी बेच रहे तो और अच्छी बात है तो मैं आपको उसमें ज्यादा कमीशन दूंगा जो इनवाइस प्राइस से भी ऊपर में बेच रहे हो तो दो हजार को इनवाइस प्राइस थी वो बेच रहा है बाईस में तो वो दो सौ रुपये जो आ रहा है बेटा उस पर क्या करूंगा मैं फिर उस पर और आपको कमीशन दूंगा कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट तो देखो तो प्रमोट करता है कंसाइनी को कि ज्यादा कीमत में बेचो तो अगर ज्यादा कीमत में बेचेंगे तो मैं उसको पैसा मिलेगा तो ज्यादा कीमत पे सेल करने की कोशिश करेगा ठीक है तो अपन इस पर डिस्कस करेंग, का करेंगे फिर कहते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम वॉर था एंटाइटल थाउजेंड तो यहाँ पे ऑब्वियसली शूज उसने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट निकाल रखा था इसे अपने इंश्योरेंस क्लेम उसने कैलकुलेट है। है। तो करना है बेटा सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं ये तो आप भी कर सकते हो पूछा क्या प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनीज अकाउंट एंड रिलेटेड वर्किंग नोट नोट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी तो कंसाइनर है वो कंसाइनर की बुक्स में अकाउंट बनाने अपने जो जनरल लेजर बनाते हैं हम लोग जनरली अभी तक कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइन वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओके चलो यहां पे लिखो इन दी बुक्स ऑफ मिसेस नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी कंसाइनर ब्रैकेट में लिख लो कंसाइनर कंसाइनर, तो so, ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट ओके इसको प्रिपेयर करो आठ दस लाइन का बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट ओके ओके इसको आठ दस लाइन का प्रिपेयर करें उसके बाद क्या आएगा फिर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद कंसाइनी अकाउंट में कंसाइनी का नाम कंपनी अडिडास कंपनी अकाउंट कंसाइन ओके इसको अब छह सात लाइन पांच छह सात तो नहीं पांच छह लाइन का ड्रॉ कर लो बेटा ओके okay. okay, दो अकाउंट चाहो तो गुड साइड और कंसाइनमेंट में कुछ नहीं रहता उसका तो भी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट ओके okay. ये हो गया अब उसके बाद जो वर्किंग नोट्स अपने को लगी वो अपन बनाते हैं ठीक है उसने पूछा है कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनिंग अकाउंट ओके चलिए शुरू करें रेडी हो ओके okay. सबसे पहले देखो बेटा गुड्स उसने भेजा हमको तो क्या यहां पे गुड्स हमने भेजे उसको तो क्या एंट्री पास होगी उसकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड्स गुड्सेंट ऑन कंसाइनमेंट लेकिन दो हजार कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक है कितने बेटा हंड्रेड शूज at the rate of rupees एट द रेट ऑफ lakh. So consignment account debit to goods sent on consignment. लाख so, किसको credit करेंगे goods sent on consignment को क्या करेंगे बेटा credit करेंगे आप Okay. अब उसके बाद आप चाहो तो बना सकते गुड्स sent ऑन कंसाइनमेंट उसमें कुछ है नहीं ठीक है चाहो तो बना लो नहीं चाहो तो मत बना. लिख लेता हूं यहाँ पे गुड्स sent ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओके सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इसको क्रेडिट कर दोगे बेटा बाय कंसाइनमेंट कितना दो लाख अब उसने कुछ खर्चे किए वहां पे कौन कौन से खर्चे किए फ्रेट के और इंश्योरेंस के ठीक है तो एंट्री क्या पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू तो कैश अकाउंट कंसाइनर की बुक में करो उसी की जेब से पैसा किया बेटा कैश और बैंक आप लिख सकते हो कुछ भी एक्सपेंसिस कौन कौन से एक्सपेंसिस थे बेटा बताओ मेरे को यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हैं कौन कौन से एक्सपेंस थे बेटा फ्रेट के दस हजार इंश्योरेंस एक हजार पाँच सौ तो टोटल कितना हो गया बेटा आपका टोटल हो गया दस ग्यारह सॉरी ग्यारह हजार पाँच सौ सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश सिंपल है आपको कुछ भी नहीं है उसमें ठीक है अभी लॉस इन ट्रांजिट का वन कैलकुलेशन बाद में करते उसको गुड्स रिसीव हुए नाइनटीशू उसने फिर ऑक्ट्रा का वन फाइव थ्री जीरो खर्चा किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी तो कंसाइनी का नाम क्या अडीडास अडीडास कंपनी तो अभी इसको किस किस की के लिए अपने को इसको पैसा देना पहले ऑक्ट्राई ड्यूटी वन फाइव थ्री जीरो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी तो कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे बेटा तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट आप चाहो तो एक एक करके भी लिख सकते हो मगर आप चाहो तो बता भी सकते हो पहले ऑक्ट्राई ड्यूटी ठीक है ऑक्ट ये एक तरह का टैक्स है बेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती जब सिटी में कोई गुड्स आता है ना बाहर से तो उस पर कलेक्ट करती वन फाइव थ्री जीरो क्या है बेटा अच्छा उसने फिर ठीक है उसने उसके अपन ये भी लिख देते जो जो चीजें हो गई मैं टिक कर देता हूँ देखो कितना सिंपल है ऐसे अपन अगर ये हो गया ये हो गया एक्सपेंस लिख दिया अब अपन यहाँ पे ये भी लिख लो एक्सपेंस गोडाउन रेंट भी लिख लेते दो हजार रुपये का तो कन और ये एडवांस भी लिख लेते हैं इसका एक एक करके तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी तो यहां पे लिख लो गोडाउन रेंट दो हजार रुपए का सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी कंसाइनी को क्रेडिट करो गोडाउन रेंट गोडाउन रेंट दो हजार ओके उसके बाद क्या है बेटा एडवांस एडवांस कितने दिए पचास हजार रुपये तो कंसाइनी ने कंसाइनर को दिया बेटा कंसाइनी ने कंसाइनर को दिया तो हमारे पास वो आया तो हमारे पास पैसा आया कि एंट्री पास करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी तो कंसाइनी को यहाँ पे क्रेडिट बैंक अकाउंट हमारे पास पैसा है इस तो हमारे पास पैसा है किसने पैसा दिया बेटा कंसाइनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी यहाँ पे ना और एक आएगा आपका और गुड कमीशन uh, का भी आएगा तो मैं इस पर एक लाइन की स्पेस रखना बेटा यहाँ पे कमीशन भी आएगा उसका स्पेस रखना कंसाइनमेंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कर तो ये बैंक अकाउंट ठीक है ये एडवांस उसने हमको दिया था कंसाइनी ने एनी कितना है पचास हजार ओके देखो कितना सिंपल है बेटा अब मैंने ये भी लिख लिया अब इसको कमीशन का करते अब अपन ये भी लिख लेते सेल्स लिख लो

मल्टीप्लाय बाय ओके वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड सो कंसाइनिंग अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बेटा बाय अडिडास अडिडास कंपनी ये सेल था बेटा वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है और कमीशन पे आता है एक चीज याद रखना ये जो आपने यहाँ पे डेबिट करे ये इनवॉइस प्राइस पे ना तो आपने एंट्री पास करें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा लोडिंग वाला पार्ट तो आपने एंट्री पास करे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिवर्स क्या होगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट तो यहाँ कंसाइनमेंट आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लोडिंग अब लोडिंग कितना होगा बेटा उसने हंड्रेड शूज था। भेजा था पंद्रह सौ का दो हजार में भेजा तो लोडिंग एक शूज पे कितना था बेटा पांच, तो पांच सौ रुपए तो हंड्रेड मल्टीपल है पांच सौ जाएगा आपका पचास हजार ओके पांच सौ कैसे निकाला समझा ना दो हजार रुपए में इन प्राइस थी पंद्रह सौ रुपए कॉस्ट थी तो पांच सौ रुपए हुआ ना उसका लोडिंग वाला पार्ट ओके तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय गुड ब्रैकेट में लिख सकते बच्चों लोडिंग कैंसिल कर दिए फिफ्टी थाउजेंड अब आप खुद सोचो दो, दो लाख में डेबिट किया था पचास हजार में क्रेडिट कर दिया उसको नेट इफेक्ट डेढ़ हजार कॉस्ट पे आ गया ठीक है तो दो चीज की लोडिंग दो चीज में गुड सेंट में उसको कैंसिल कर दो जो स्टॉक में रखा हुआ होता है उसको भी कैंसिल कर दो ठीक है बेटा अब ये हो गया अब कमीशन वाला पार्ट बचा है हमारा ऑफिस के बाद तीन चीज बची क्या कौन सी तीन चीज बची बेटा एक कमीशन का कैलकुलेशन करना है मेरे को आ, दूसरा आ, आप लोग का स्टॉक का कैलकुलेशन करना है और तू, तीसरा और वो जो लॉस का, का। ठीक है तो कमीशन का अपन देखो यहाँ पे इसने कितने परसेंट बोला बेटा यहाँ पे चलो पहले एक एक करके अपन करते जाते फर्स्ट लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन अब बड़े सिंपल सी चीज है बेटा कमीशन दो है एक प्राइस पे दे रहा और एक सरप्लस पे दे रहा है तब यहां पर ध्यान से रखेंगे आप टोटल कमीशन इक्वल्स टू क्या है दो है एक नॉर्मल कमीशन प्लस सरप्लस कमीशन बोले इसको ये ओवरराइडिंग कमीशन बोलते बेटा इसको सरप्लस कमीशन ठीक है अब वो नॉर्मल कमीशन कितना बोला बेटा उसने आपको यहां पे कैलकुलेट नॉर्मल कमीशन कितना है आपका फाइव परसेंट किस पे इन प्राइस पे जो सेल हुआ बेटा इनवाइस प्राइस पे जो सेल हुआ तो यहीं पे ब्रैकेट में मैं सारी चीजें बना लेता हूं फाइव परसेंट किसका बेटा फाइव परसेंट किसका करना है अपने को जो इन प्राइस पे सेल हुआ तो कितने शूज बेचे एट्टी शूज बेचा उसने इन प्राइस कितनी थी बेटा दो हजार रुपये प्लस ठीक है उसके बाद सरप्लस कमीशन कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका ट्वेंटी फाइव परसेंट बेटा एटी शूज जो उसका सरप्लस में बेचा तो सरप्लस में कितना हुआ अब दो सौ ये दो सौ कैसे आया उसको समझे, समझ लेना अच्छे से ये जो दो सौ आया बेटा कैसे आया आप खुद बताओ मेरे को उसने क्या बोला कि जो भी सेल वैल्यू इनवाइस प्राइस से ऊपर उस पर पच्चीस परसेंट है तो सेल वैल्यू आपकी बाईस सौ है इनवॉइस प्राइस आपकी दो हजार है तो सरप्लस कितना हो गया 200 ये हो गया सरप्लस इस पे उसने बोला क्या मैं आपको दूंगा कितने परसेंट बेटा 25 परसेंट कमीशन तो कैलकुलेट करो 80 शूज मल्टीप्लाई बाई टू थाउजेंड प्राइस है 2000 हजार प्लस एटी मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ठीक तो, है ट्वेंटी फाइव परसेंट ये आपका चार हजार तो टोटल कमीशन हो गया आपका बारह हजार रुपए क्या एंट्री पास होती है इसकी बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट देखो आप क्वेश्चन समझे थे ना उसने क्या बोला उसने बोला था कि मैं पांच परसेंट कमीशन दूंगा जो इनवाइस प्राइस, प्राइस पे बेची प्राइस, प्राइस दो हजार था लेकिन उसने बेचा बाईसो में तो ऊपर के जो दो सौ पे बेचा वो दो सौ पे पच्चीस परसेंट तो यहाँ पे दो हजार पे जा, दो हजार तक के फाइव परसेंट उसके ऊपर जो दो सौ में बेचा उसपे कितने परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट बारह हजार तो जॉ कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटा ठीक है आप ये लिखियो बेटा साथ साथ में लिखते जाए करो ओके सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट जॉ कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो बेटा ये दो हजार दो हजार नहीं सॉरी कितना आया था बारह हजार ओके ट्वेल्व थाउजेंड सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिख कमीशन ओके वर्किंग नोट नंबर ये कौन सी वन कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल कर सकते बेटा वन फाइव थ्री जीरो प्लस टू थाउजेंड प्लस बारह हजार तो पंद्रह हजार पांच सौ पंद्रह हजार पांच सौ तीस ओके तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट की अभी कमीशन यहाँ पे क्रेडिट कर दो वर्किंग नोट नंबर वन कितना है बारह हजार टोटल पंद्रह हजार पांच सौ तीस सिंपल तो अपने सेल भी कर ली कमीशन भी कर ली बेटा अभी आप अपने को क्या बचा अपना क्लोजिंग स्टॉक बचा और जो आपका लॉस इन ट्रांसिट हुआ ठीक है अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर टू लिखो यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है ना कितने शूज है बेटा सौ भेजे थे दस लॉस इन ट्रांसिट एटी सेल तो टेन शूज बचे ओके तो यू नो इट कैसे अपने को बनाना बेटा सबसे पहले अपन आप यहां पे लिखते उसका ए गुड्स इन वॉइस प्राइस में भेजा भी था बेटा so, तो कितने शूज है टेन शूज इन वॉइस प्राइस दो हजार रुपए की एक तो so, ये कितना हो गया बेटा यहां पे बीस हजार ठीक है एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय कंसाइनर यू कैन राइट प्रपोर्शन एक्सपे इनकर्ड बाइनर तो उसने दस हजार और वो पंद्रह सौ खर्च किया था तो so, वो हो गया आपका दस हजार और कितना खर्च किया था बेटा पंद्रह सौ तो so, वो सौ शूज पे खर्चा किया था उसने कितने शूज पे हंड्रेड शूज पे तो so, uh, स्टॉक में कितने टेन शूज है बेटा तो ये हो गया दस हजार सौ डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन तो वन एक सेकेंड नहीं दस हजार पंद्रह सौ ग्यारह पांच सौ डिवाइड बाई सो तो फिर दस पे कितना प्रपोशनड एक्सपेंस ऐसा भी ज्यादा बेहतर है बल्कि ऐसे लिखो प्रपोशनेट तो यहां पे भी लिखो बेटा प्रपोशनेट एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय कंसाइनी लेकिन कहां तक के लेते आपको पता है बेटा कौन से खर्चे कंसाइनी कहां तक के गोडाउन में पहुंचे था तो गोडाउन में पहुंचे तो कंसाइनी ने ये खर्च किया था ये खर्च किया वन फाइव थ्री जीरो हुए ये तो गोडाउन में पहुंचने के बाद है तो अब मेरी बात ध्यान से सुना यहाँ पे जब गुड्स लॉस इन ट्रांसिटी टेन शूज उसने रिसीव्ड कितने किया नाइनटी शूज बेटा तो ये जो अनलोडिंग पे जो खर्चा हो रहा है ये जो अनलोडिंग पे जो खर्चा हो रहा है आपने यॉक ट्रैवल नॉट अनलोडिंग ऑक्ट्राइप पे यहां पे रिसीव्ड कितने 90 शूज़ पे कितने पे खर्चा हुआ 90 शूज़ पे 1530 तो यहां पर बेटा 1530 अगर 90 शूज़ पे तो फिर 10 शूज़ पे कितना 10 शूज़ पे कितना 1530 अगर 90 शूज़ पे तो 10 शूज़ पे कितना 170 अब यहां पे टोटल कितना ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी क्या एंट्री पास होंगी इसकी बेटा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट इसको मैं पास, चलो इस पहले इसको लिख लो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बेटा कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट आप लिख लो बेटा वर्किंग नोट नंबर टू कितना है बच्चों टू वन थ्री टू जीरो टू जीरो

अपने प्रीवियस सेशन में देखे थे बेटा मैं चाहू तो यहां पर भी लिख दू लेकिन यहां पे भी लिख दू चलो थर्ड वर्किंग रोट नहीं तो दे दो स्टॉक स्टॉक रिजर्व रिजर्व इज बेटा लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक अब देखो यहां पर आप थोड़ा खुद दिमाग लगाओ बेटा ये इनवॉइस प्राइस पे ना ये बीस 20, ये दो हजार इन प्राइस पे बेटा ये वॉइस प्राइस पर है ठीक है ये इनवाइस प्राइस पर अपना तो बीस हजार भी इनवाइस प्राइस पे ये भी इन प्राइस पे है फिर लेकिन ये जो आपकी अमाउंट थी यहां पर ये जो थी बेटा ये दस हजार और ये पंद्रह सौ वो तो उसकी जो कॉस्ट थी इसकी फ्रेट की और इंश्योरेंस वो है, वो कॉस्ट पे और ये भी कॉस्ट पे तो लोडिंग आप ये मत बोलना कि सर ये पूरे के पूरे टू वन थ्री टू जीरो पे लोडिंग है लोडिंग सिर्फ बीस हजार पे है बीस हजार पे ठीक है अब तो तो जो, जो भेज बढ़ाकर बड़ी हुई की थो तो आपके जो ये यहां पर लोडिंग अपन कैलकुलेशन करेंगे ये कितनी थी बीस हजार रुपए अच्छा लोडिंग यहाँ पे परसेंट आप वैसे भी निकाल सकते हो ये लोडिंग उस पर आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा ये कितने शूज है उसमें शूज है एक शूज पे कितनी लोडिंग है पांच सौ रुपए आप बोलूंगे दो हजार रुपए पंद्रह सौ है तो लोडिंग कितनी पांच सौ रुपए कितनी लोडिंग आ जाएगी यहाँ पे ये होगी पांच हजार रुपए तो उसमें कितनी लोडिंग है आपकी पांच हजार तो क्या एंट्री पास होगी इसकी पांच हजार की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व

ठीक है तो ये पांच सौ रुपए कर दो बेटा ये लिखा पांच हजार पांच हजार रुपए अब यहाँ पे एक चीज अपनी बच्ची भी कंसाइनमेंट स्टॉक भी लिख ली एबनॉर्मल लॉस बच्चा हुआ कंपटीशन करो वर्किंग नोट वन टू थ्री होगी गई फोर वर्क दे दो उसको नाम फोर्थ कंप्यूटेशन ऑफ द एब ऑफ दॉर्मल लॉस कितने शूज हैं टेन शूज है ओके राइट डाउन देअर ओके राइट डाउन देअर सबसे पहले ए पॉइंट उसका इनवाइस प्राइस अच्छा एक और चीज है आप उसको इनवॉइस दिया कॉस्ट लिखो सबसे पहले याद रखना बेटा ये हमेशा लॉस किस पे रिकॉर्ड होता है ऑलवेज ऑन कॉस्ट ऑलवेज ऑन कॉस्ट तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखो कॉस्ट ऑफ टेन शूज तो बड़ा सिंपल है बेटा दस शूज थे और उसकी कॉस्ट कितनी थी पंद्रह सौ रुपए तो ये आ गया पंद्रह हजार रुपए ठीक है उसके बाद सेकेंड पॉइंट बी प्रपोशनड एक्सपेंस प्रपोशनड एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर इनकर्ड बाय कंसाइनर अब उसने खर्च किया था बेटा वो दस हजार और पंद्रह सौ कितने शूज पे बेटा सौ शूज पे हंड्रेड शूज पे और लॉस इन ट्रांसिट भी टेन शूज ही टेन शूज ही थे दस पे की स्टॉक भी दस था ये भी दस है तो ग्यारह हजार पांच सौ डिवाइड बाय सौ मल्टीप्लाई बाय दस वन वन फाइव जीरो तो ये आ गया आपका कितना कि? ओके। वन वन जीरो वन सिक्स वन फाइव जीरो बेटा ठीक है क्या एंट्री पास होंगी बेटा इसकी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू तो कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट से हटा के एबनॉर्मलॉर्मल लॉस लौ, अपन ने बनाया नहीं बनाते तो क्या करते हैं डेबिट इनफैक्ट यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम भी उसने बोला है कितने का इंश्योरेंस क्लेम बोला था बेटा उसने यहाँ पे चौदह रुपए का तो आपको पता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते तो क्या करते मैं बता देता तो, हूँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करते कितने से डेबिट करते हैं यहाँ पे रफली बना के दिखा देता हूँ चलो ये एबनॉर्मल लॉस अगर अकाउंट में बनाऊँ रफली पूछा नहीं क्वेश्चन में समझाने ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अगर मैं बनाऊँ बेटा इसको डेबिट करता था मैं यहाँ से

एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस अकाउंट ठीक है ये कितना है इसका लिख लो यहां पे वर्किंग नोट नंबर फोर हो गई वन सिक्स वन फाइव जीरो अब देखो यहां पर स्टॉक रिजर्व ये लिंक करना है कलर से ये इसमें लोडिंग कितनी थी बेटा दो हजार इसमें लोडिंग थी पांच हजार आपने डेबिट करके कैंसिल करे इसमें लोडिंग थी पचास तो ये डेबिट करते लोडिंग को क्रिएट करके कैंसिल करते नेट उसको किस पे ला लिया अपन ने कॉस पे चलिए तो यहाँ पे खत्म होता है इसकी टोटल करो बैलेंस निकालो क्वेश्चन में पचास हजार प्लस वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टू वन थ्री टू जीरो प्लस वन सिक्स वन फाइव जीरो टू सिक्स थ्री टू सिक्स थ्री फोर सेवन जीरो टू सिक्स थ्री फोर सेवन जीरो माइनस टू लाख ग्यारह हजार पांच सौ माइनस वन फाइव फाइव थ्री जीरो माइनस फाइव थाउजेंड ग्यारह थ्री वन फोर फोर जीरो लॉस अकाउंट तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है बेटा अब आज यहाँ पे consign... कंसाइन अकाउंट <coughs> करो उसकी टोटल बैलेंस देखो कितना आ रहा है टोटल क्या एक ही आइटम है वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड तो कितना आ रहा है बाय अब यहाँ पे उसने बोला कि बैलेंस अमाउंट कुछ रहे? भेजा है कैसा कुछ बोला उसने यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल्ड है वो ठीक है इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड हो गया मतलब मिल गया आपको तो दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट एब नॉर्मल ठीक है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेटेड और नोट्स इन द फॉर्म बुक्स में इसने कुछ ऐसा बोला है कि बेटा भेज दिया उसने अडीडास सेंट ए ड्राफ्ट उससे बैलेंस भेजा ठीक है भाई इसमें अडीडास सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू नाइकी पचास एडवाइन लेटर ऑन सेंट अकाउंट शो इन एट्टी शूज एज बिन सोल एक्सपेंसेस ठीक है नहीं भी बोलता वी कैन अज्यूम बैलेंस अमाउंट क्या करा, भेज दिया so, लिख दो, ठीक है, फाइनल बैलेंस फाइनल बैलेंस सेटल्ड ओके डन अब इसके बाद बेटा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की टोटल करो उसमें तो कुछ भी नहीं है दो लाख यहां पे टोटल आ रही है ये रहा दो लाख ओके उसके बाद यहां पर बेटा आप इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते टू तो ट्रेडिंग अकाउंट कितना एक लाख पचास तो वो बराबर कॉस्ट पे गया एक लाख पचास ओके okay, बेटा और कुछ बचा नहीं ओके यू कैन राइट डाउन द नोट ये फाइनल सेटलमेंट दिया एंड यू कैन राइट डाउन द नोट इट इज अज्यूम दैट फाइनल बैलेंस पेड कंसाइनी टू कंसाइनर ओके यू कैन राइट डॉन इट इज अज्यूम दैट assume that final payment paid by consignee to consignor consignee to consigner. okay <clears throat> you assume that final payment settled by consignee to paid by okay okay चलिए डन तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पढ़ाई कर रहे हो आप लोग नहीं कर रहे हो गए ठीक ठीक है है सिंपल क्वेश्चन था कुछ नहीं था बेटा उसमें ओके okay. और आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो अच्छा स्कोर करना है आप लोग को Do you remember कि हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन पेंडिंग था मैंने बोला था कि वो दो क्वेश्चन इन वॉइस प्राइज मैथड से रिलेटेड है तो उसके बाद मैं कहता हूं अभी अपन क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन कर लेते हैं ठीक है कम टू क्वेश्चन नंबर एट तक हुआ याद है नाइन और टेन पेंडिंग था याद है नहीं है ओके कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन ओके क्वेश्चन कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन तो हमारा नाइन्थ पेंडिंग था विल डू न क्वेश्चन नंबर नाइन टेन

ठीक लेकिन दस हजार मीटर खरीदा बोला वर्डिंग्स पे ध्यान देना वर्डिंग मीटर उसने परचेस किया उसने मीटर कंसाइनर कंसाइनी को नहीं भेजा उसने कंसाइनी को भेजा कितने मीटर पांच हजार मीटर उसने भेजा तो यहां पे फर्क है खरीदा दस हजार भेजा कितने पांच हजार तो सर खरीदा इसमें ना इसमें आपको शायद उसने ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला के बनाने के लिए प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट

इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पूछा भी तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊंगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर तो आपको और अच्छे समझ में आएगा अब रही बात बेटा जो यहाँ पे कॉमर्स uh, के स्टूडेंट है मतलब जब भी मैं कहता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट तो अभी तो आप सब ऑब्वियसली सी कर रहे हो लेकिन साइंस के स्टूडेंट मतलब जिन्होंने इलेवन ट्वेल्थ साइंस में करे जो कॉमर्स वाले मैं बोलता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स में कर अब इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछ लिया तो कॉमर्स वालों ने कभी ना कभी लाइफ में ट्रेडिंग पीने अकाउंट जरूर बनाएंगे बेटा इलेवन ट्वेल्थ में लेकिन साइंस वालों ने कभी नहीं बनाएंगे ठीक है तो आप बिल्कुल भी घबराना मत अब इसने क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन फाइनल अकाउंट चैप्टर आएगा बेटा इसके बाद ना मतलब करेंट ठीक है एवरेज ड्यू डेट सब इजी चैप्टर उसमें कुछ भी नहीं है छोटे छोटे चैप्टर फिर फाइनल अकाउंट और फिर पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट का शेयर फिर उतना आपका सिलेबस में तो मैं कह रही हूँ एक चैप्टर आपको आगे आने वाला बेटा तो फाइनल अकाउंट में आप लोग पढ़ दोगे ये साइंस वाले स्टूडेंट ट्रेडिंग तो पीएनल आप वहां पर देखोगे कॉमर्स वालों को तो पता ही है बेटा तो उसमें कुछ आप अभी घबराना मत बस मेरा कहने का मतलब है घबराना मत आप ये सोचना है कि नहीं अभी हमको सिर्फ कंसाइनमेंट ही करना है इसमें जो ट्रेडिंग पीएनल हम लिख लेते हैं लेकिन उसमें अगर हमारे को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो टेंशन नहीं लेना उसमें क्या वर्ड इज ट्रेडिंग में तो कुछ भी नहीं लगेगा तो तो समझ में आ जाएंगी ठीक है और कॉमर्स वालों की तो फिक्र ही नहीं ठीक है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कॉमर्स वाले बड़े प्राउड फील करते जब कॉमर्स वालों को तो पता ही हो बड़े प्राउड फील प्राउड फील करो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना ठीक है अब 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 बेटा अच्छी के अब उसने भेजा है कुछ चीजें बड़े अच्छे से समझ ले आप लोग तो दस हजार मीटर इसने डायरेक्ट बिजनेस में खरीदा उसमें से पांच हजार भेज दिया तो उसने डायरेक्ट बिजनेस का ट्रेडिंग पी भी पूछा और कंसाइनमेंट इज ऑल्सो लाइक ए ट्रेडिंग अकाउंट ना उसमें मगर वो कंसाइनमेंट बिजनेस का

तो अब आगे कहता है चलो मैं लिख लू क्या यहां पे देखो तो यहां पे सबसे पहले जो अपन लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट कॉस्ट बोलो या गुड सेंट लिख लिखेता हूं इन वॉइस प्राइस पे भेजा यहां पे गुड सेंट ठीक है गुड सेंट ब्रैकेट में लिख लेता हूं इनवाइस प्राइस गुड सेंट क्या बेटा इन प्राइस तो कितना यहां पे

तो दो लाख डिवाइडेड बाय दस हजार करो तो कॉस्ट उसकी थी रुपीज ट्वेंटी उसकी कॉस्ट थी अब उसने भेजा कितने में थर्टी रुपीज में थर्टी रुपीज में और इसने बेचा कितना में तो तीनों दिया उसकी कॉस्ट कॉस्ट कैसे कैसे निकाला बेटा दिमाग खुला रखना दो लाख खरीदा था दस सॉरी दो लाख रुपए में खरीदा था दस हजार मीटर तो दो लाख डिवाइडेड बाय दस हजार कितना होता है बेटा दो लाख डिवाइडेड बाय दस हजार कितना होता है बीस तो कॉस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे बीस इनवाइस प्राइस कितना उसका तीस और सेलिंग प्राइस 40 अब बच्चों को ये लगता है सर यहां पे तो सेलिंग प्राइस 30 लिखा है आपने इनवॉइस प्राइस में 30 क्यों लिखे बेटा देखो ये इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि कंसाइनर ने मैं कंसाइनर और आप कंसाइनई कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने में भेजा दैट इज इनवॉइस प्राइस तो आप बोलिंग सर ये तो सेलिंग प्राइस है लेकिन भेजा वो सेलिंग प्राइस को बोल रहा है क्यों बोल रहा है उसका लॉजिक भी बताता हूं क्योंकि कंसाइनर अपने बिजनेस में देखो आगे पढ़ो दो मिनट पर इनकट थाउजेंड फॉर सेलिंग एक्सपेंस पर मीटर सोल एट डेली एट रुपीज थर्टी बस अब ये खेल समझ अब देखो बेटा यहां समझना तीन अलग चीज है यहां पर मैंने बोला कि दस हजार मीटर मीटर खरीदा दो लाख रुपए एक मीटर बीस रुपए का यहां पर उस बोलता है कि उसने आ, उसको भेजा

तो वो बच्चों को लगता है कि ये सेलिंग प्राइस हो गई जो कंसाइनी की कंसाइनी की सेलिंग प्राइस नहीं है कंसाइनर तीस में ही बेचता है यहां से क्रॉस चेक कंसाइनर में ही बेचता है तो मैं कंसाइनर हूं मेरी कॉस्ट बीस थी मैं तीस में बेचता हूं आपको भी मैंने में भेजा इन वॉइस प्राइस पे तो ये तीस में भेजा ये सेलिंग प्राइस आपका नहीं है मैं इसको तीस में यहां पे बेचता हूं तो मैंने आपको तीस में भेजा ठीक है तो ये इसलिए यहां पे सेलिंग प्राइसा वर्ड हुआ लेकिन आप कितने में बेच रहे हो बेटा चालीस में

40 पर है देयरफॉर दिस 40 इज सेलिंग प्राइस एंड 20 इज कॉस्ट देन हाउ मच विल बी इनवॉइस प्राइस बेटा 30 बिकॉज़ द कंसाइनर सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी कंसाइनर सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी एट ₹30 सो दैट इज इनवॉइस प्राइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस समझ में आया आपको ओके okay. अभी सारी चीजें यहां पे अच्छा ठीक है भाई उसने 5000 मीटर भेजा इनवॉइस प्राइस पे ठीक है तो कितनी 30 तो यहां पे आपने 5000 मीटर्स एट द रेट ऑफ रुपीज थर्टी पर मीटर है ठीक है उसके बाद और क्या बोला उसने एक सेकेंड फाइव थाउजेंड मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज थर्टी पर मीटर ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है बेटा आपको कि उसने यहां पे खर्चा है कि ये पांच हजार और ये पांच सौ लिख सकते हैं यहां पे सेकेंड एक्सपेंसेस पांच हजार प्लस पांच सौ

ये आपके सेलिंग एक्सपेंसेस थे ठीक है सेलिंग एक्सपेंसेस थे कितना दो हजार दो हजार रुपए उसके बाद कमीशन उसको पांच परसेंट और वो इट सरप्लस वाला भी ठीक है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे उसमें कुछ भी नहीं कमीशन आ जाता कमीशन ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है कि उसने यहां पर डी ऑफ दे बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा यहां पे ना ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला बना है तो यहां पर इसने ना देखो ये तो गुड्स बेच ये उसके डायरेक्ट बिजनेस का यहां पे लिखता ये डायरेक्ट बिजनेस का यहां पे लिखता अब उसने डायरेक्ट बिजनेस में भी कुछ हुआ बेटा यहां पे उसने यहां पे डायरेक्ट बिजनेस में परचेस किया तो बताया तो उसने सारी चीजें परचेस किया था तो उसने टेन थाउजेंड मीटर ठीक है उसके बाद यहां पे उसने सेल किया कितना सेल किया बेटा तो उसने आ, उसने थ्री थाउजेंड मीटर यहां पर सेल किया तो यहाँ पे उसने सेल किया थ्री थाउजेंड अब यहां से गुड सेंड भी हो गया ना पांच हजार गुड्स दिख रहा है आपको सॉरी नहीं दिख रहा है ठीक है इसने यहाँ पे बेटा दस हजार मीटर खरीदा था उसमें से मीटर उसने गुड सेंड कर दिया था पांच हजार मीटर सेल करा उसने कितने यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेंड गुड सेंड फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस ये पांच हजार मीटर्स था बेटा तो दस हजार खरीदा था कंसाइनमेंट बिजनेस में पांच भेज दिया तीन हजार मीटर उसने बेचा उसने यहाँ पे लिखा हुआ तीन हजार मीटर बेचा उसने

ठीक इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये क्या चीज है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा क्या है ए एस टू का थोड़ा सा रेलिवेंस है वहां उस बात करूंगा डोंट वरी उसको भूल जाओ फिर आगे प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट ये सारी चीज उसने अपने को बोला है बेटा ओके ठीक है अब यहाँ पे अब उसने यहाँ पे तो मैंने काफी कुछ लिख दिया ना कमीशन यहाँ पे कि स्टॉक आएगा कुछ बचाओ देखो यहां पर भी स्टॉक आएगा अब यहाँ ये बिजनेस में भी कुछ स्टॉक रहेगा ये इन हैंड स्टॉक रहेगा कहां पे स्टॉक है बेटा कंसाइनी के पास रखा हुआ स्टॉक है ठीक है यहां पे उसने सेल किया थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड इसने कितना डी ऑफ दिल्ली ने तीन हजार मीटर बेचा चार हजार मीटर बेचा चालीस के हिसाब से यहां पे बेचा एट द रेट ऑफ रुपीज फोर्टी यहां बेचा एट द रेट ऑफ रुपीज थर्टी पर मीटर ठीक है गुड सेंड किया उसने ठीक तो है वो कहानी तो लिख तो लिया मैंने इसके बाद बेटा क्या आएगा बैलेंस आएगा बैलेंस आएगा बेटा और जगह ही नहीं बची यहाँ पे ठीक है बैलेंस कंसाइनी किसको भेज देता है कंसाइनर को भेज देता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ठीक है एनी वेज इसमें एक नया पॉइंट बेटा आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल भी बोला डायरेक्ट बिजनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे जनरली अभी तक जो क्वेश्चन कर उसमें नहीं दिया इंटरेस्टिंग है एग्जाम एग्जाम में भी नहीं आया बेटा तो बढ़िया अच्छे समझेंगे इसको उसके बाद नई चीज और वो स्टॉक का कुछ रिडक्शन के बारे में कुछ एक पॉइंट है वो आपको मैं बता दूंगा एस टू का रेलिवेंस है वहां पर ठीक है बात कर लेंगे ठीक है अब यहां पर भी बेटा ना तो पांच इसको भेजा था चार हजार बेचा तो यहां पर भी स्टॉक में कितना रखा हुआ है वन थाउजेंड मीटर रखा हुआ और यहाँ पे स्टॉक में कितना रखा हुआ दस हजार था पांच हजार भेजा तीन हजार बेचा बेटा तो यहां पे स्टॉक में 2000 मीटर ये स्टॉक में 2000 मीटर रखा हुआ ये स्टॉक ठीक है।, है ओके चलिए इतना लिखे आपने बेटा पहले अब आप कंसाइन इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर लिखो इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स कौन है बेटा कंसाइनर कंसाइनर ठीक है कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट ओके ठीक इसको ड्रॉ कर लो बेटा वही हमारा ऑन एन एवरेज दस बारह लाइन आपको लगती है ठीक है डेबिट क्रेडिट अब एक और चीज उसने बोला यहां पर बेटा आपको ओवरऑल तो और, और अच्छे से इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग आएंगी कंसाइनमेंट बिजनेस की ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा अब इसके बाद ये हो आपका कि कंसाइनमेंट अकाउंट और उसके बाद यहां पे लिखो

हर चैप्टर अपन ऐसे करेंगे आगे की फाइनल अकाउंट हो पार्टनरशिप हो कोई भी चैप्टर कंपनीज अकाउंट कंपनीज अकाउंट में बहुत मजा आएगा बहुत आपको भी मजा आएगा बहुत चीजें बताऊंगा आपको शेयर्स डिबेंचर बच्चों को कंफ्यूज होता है ऐसा सीखेंगे बेटा पे कि अपने को कोई दिक्कत जाएंगी ही नहीं बेटा ओके अब यहां पे लिखो आप ठीक है डेबिट क्रेडिट यहां पे डेबिट ठीक है बैलेंस आते हो राइट डाउन देअ बट डेबिट क्रेडिट ये भी एक अकाउंट ही है बेटा ठीक है चलिए इतना लिखे वर्किंग नोट इसको भी ड्रॉ कर लेना ज्यादा नहीं लाइन का बस ओके चलो अब कहानी शुरू होती है वन वन बाय मैं पे लिखते जाऊंगा सबसे पहले मैंने बिजनेस में परचेस किया दस हजार मीटर दो लाख रुपए में तो ये कौन से बिजनेस का इसको जरा पहचानो ये कंसाइनमेंट बिजनेस है कि डायरेक्ट बिजनेस डायरेक्ट बिजनेस का हमारे बिजनेस दोनों हमारे एक ही इंसान है उसका मालिक मिस्टर एक्स तो मिस्टर एक्स ने बेटा पे मीटर मीटर खरीदा खरीदा अपने अपने बिजनेस बिजनेस के के लिए के लिए ऐसे उसने दो लाख रुपए तो परचेस किया उसने बेटा तो याद रखना बेटा यहाँ पे ना प्लीज जो कॉमर साइंस वाले बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा ठीक है तो आप बोलोगे सर परचेस किया हूँ तो आई नो द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पेन तो साइंस वाले बच्चे घबराना मत बस इतना समझना अभी टाइम फाइनल अकाउंट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आप यूं चुटकियों में कर लोगे इसको इतना याद रखना बस यहाँ पे एक्सपेंस लिखना है मेरे को और यहां पे इनकम लिखना डायरेक्ट बिजनेस है अदर देन कंसाइनमेंट बिजनेस का यहाँ पे एक्सपेंस लिखना है बेटा तो और यहां पे क्या लिखना है बेटा इनकम बस इतना भी ख्याल रखना बाकी चीजें अपन फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कॉमर्स वालों को तो पता होगा ये तक ठीक है एनी बेटा अब यहां पे लिखो आप तो परचेज यहां पे एक्सपेंस यहां पे लिखना है तो यहां पे लिखो टू पर दो लाख यहां पे क्या लिखना है बेटा अपने को कंसाइनमेंट के अपन एक्सपेंस इनकम लिखते बस वैसे ही लिखना वहां पे पे कंसाइनमेंट बिजनेस का यहां डायरेक्ट बिजनेस का तो ये दो लाख रुपए अब क्या हुआ यहां पे कि दो लाख रुपए में से क्या हुआ बच्चों कि यहां पर मैंने कंसाइनी को गुड्स भेजा कितने भेजा पांच हजार मीटर के गुड्स भेज दिया बेटा पांच हजार मीटर अब मैंने भेजा कितने में बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा अपने को कॉस्ट कॉस्ट कितना है बेटा बीस तो क्या हुआ यहाँ पे कि अब थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए मैं गुड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूँ ठीक है समझाने के लिए वैसे मैंने यहाँ पर इसके बाद बना बनाने था भी अच्छा जी रुको यहाँ पे बनाओ अगर आपके इस जगह होंगी तो ठीक नहीं तो कहीं पे एडजस्ट कर लो बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे गुड सेंटर आई नो जगह नहीं होंगी क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था बनाने मगर इसको आप बना लो कहीं पे भी एडजस्ट करके नीचे कहीं पे भी बना लो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तीन चार लाइन का बनाओ okay, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा मजा आएगा आपको बहुत मजा आएगा सारी चीजें मैं लिंक करूंगा आपको खुद ब खुद मजा आएगा बेटा okay, ओके अब मेरी बात ध्यान से सुन। तो मैंने कहा मैंने कहा कि मैंने डायरेक्ट बिजनेस में दो लाख रुपए के दस हजार मीटर खरीदा अच्छे समझेंगे उसमें से पांच हजार मीटर कंसाइनमेंट बिजनेस में भेज दिया मतलब पांच हजार मीटर ठीक है अब उसको जब मैंने भेजा तो भाई ये गुड्स कम हो रहे कि नहीं हो रहे अरे सर मैंने कहा कम हो रहे कम कम हो हो रहे रहे सर ये गुड्स तो यहां पर जब आया था तो आपने यहां पर लिख इसमें से कम हो रहे तो यहां क्रेडिट करो अरे मैंने बोला कहा बार बार यहां क्रेडिट करते हो सर एक बना लो अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो कहा क्यों फिकर करते हो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक बना लो बेटा पे आप क्रेडिट करो उसका बैलेंस लेंगे। साल में हम लिख लो, इसका बैलेंस पे ले चले ट्रेडिंग अकाउंट बात देखिए और घबराना मत एक एक चीज लिंक करेंगे हम आगे इतना मजा आएगा आपका अच्छा ऐसा होता है तो चलो पहले बताओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप बोलोगे सर ये दो लाख रुपए के जो थे दस हजार मीटर जो खरीदे उसी में से गए अरे मैं लाऊंगा ना यहां पे इसको कम करूंगा ना फिकर क्यों करते थोड़ा सा सबर तो रखो तो मैंने कहा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किए बेटा हमने टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने कहा सर पांच हजार मीटर थे ये पांच हजार मीटर भेजा रुपए के हिसाब से एक तो पांच हजार मल्टीप्लाय तीस ये डेढ़ लाख आना चाहिए हां सर एक लाख पचास हजार सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो क्रेडिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक लाख पचास हजार कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक है अब मेरे को बताओ इसमें लोडिंग थी बेटा क्या लोडिंग थी ना उसकी कॉस्ट कितनी थी बीस रुपए आप बोलेंगे सर कैसे पहचाने आप बीस रुपए अरे उसमें कुछ था ही नहीं ना बेटा वो तो आप भी बता दोगे ना बीस रुपए की कॉस्ट थी कैसे पहचाना अरे भाई दो लाख था वो यहाँ पे एक सेकंड ओके सेवन मुझे क्यों लग रहा है ऐसा ये शायद आपको भी लग रहा है ठीक है वो मेरे को पता नहीं सेवन की तरह दिख रहा है ये दो लाख है अब दिख रहा हाँ। ये दो है ठीक है सो कंसाइनमेंट दो लाख कैसे पहचान अरे भाई दस हजार मीटर थे दो लाख रुपए के टोटल थे तो एक कितने दो लाख डिवाइड बाय दस हजार कर दो बीस रुपए आता है आपने भेजे कितने में बेटा तीस में आपने भेजे कितने तीस में तो मैं चाहू था तो इस पर एक वर्किंग नोट बनाते जाता हूं बॉल्स चलो लिखो वाला वर्किंग नोट वर्किंग नोट पहला लोडिंग ऑन लोडिंग ऑन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग ऑन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेटा ठीक है अब ध्यान से समझना तो लोडिंग कैसे निकालूंगा सर मैं आराम से निकाल लेंगे बेटा अपन ठीक है व्हाट इज लोडिंग कि कॉस्ट को कितने में बढ़ा के भेजे इनवाइस प्राइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है तो मैं ऐसे लिख देता हूं चलो ऐसे बना के बताता आपको इनवॉइस प्राइस सॉरी लोडिंग इक्वल्स इनवाइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो उसने कितने में भेजा बेटा पांच हजार मीटर था कितने रुपए का तीस कॉस्ट कितनी थी बेटा उसकी पांच हजार मीटर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी अब आप बोलेंगे ट्वेंटी कैसे, कैसे आया ट्वेंटी कैसे आया ट्वेंटी कैसे आया बताओ बच्चों को ट्वेंटी कैसे आया तो दो लाख रुपए का टोटल उसने परचेज किया था दस हजार मीटर तो एक मीटर कितने का हो गया बेटा बीस रुपए पर मीटर मां से कॉस्ट पता चल गई अपने को ठीक है ओके चलो लिखो अब यहां पे ये पांच हजार मल्टीप्लाई बाय तीस एक लाख पचास हजार माइनस मल्टीप्लाई बीस एक लाख। तो लोडिंग हो गई पचास हजार लोडिंग हो गई पचास हजार so, एंट्री क्या पास होगी बेटा ये लोडिंग वाले पार्टी अपन एंट्री पास करते भेजते कंसाइनमेंट टू गुड सेंड अब इसकी रिवर्स एंट्री गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट ओके तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अरे सिंपल है ना बेटा बीस की चीज बे, okay. में बेचता दस रुपए एक्स्ट्रा पांच हजार मल्टीप्लाई बाई दस करो पचास हजार आता है ठीक है ओके अब लिखो यहां पे बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग और लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर वन पचास हजार ठीक है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट आप क्या कर आप? करो डेबिट करो बेटा टू कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग वाला पार्ट है बेटा वर्किंग नोट नंबर वन पचास हजार वर्किंग नोट नंबर वन फिफ्टी थाउजेंड ओके अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड था। हो गया अब उसके बाद बेटा यहाँ पे ये पांच ये हो गए इसमें पचास पांच हजार का हो गया अब ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ ठीक है देखो बेटा ये मैंने यहां परचेज का लिखा ये गुड सेंड का लिख दिया अब इस पे आ रहा है एक्सपेंस पे तो एक्सपेंस कितना था बेटा यहाँ पे कितना है वो पांच हजार पांच सौ टोटल पांच हजार पांच सौ कंसाइनर ने किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश तो कंसाइनमेंट का खर्चा कंसाइन देखो ये कंफ्यूज नहीं ना कंसाइनमेंट का खर्चा मैं यहाँ पे लिखूंगा खर्चा इनकम और जो डायरेक्ट बिजनेस बाकी सारा यहाँ पे तो यह थोड़ा सा अलर्ट रहना तो ये जो खर्चा हुआ यहाँ पे बेटा ये जो खर्चा हुआ पांच, पांच, पांच हजार और पांच सौ कौन से बिजनेस पे डायरेक्ट बिजनेस पे होगी कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट बिजनेस तो वहां पे लिखना वही तो इंटेंशन था बेटा आपको चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर याद है आप इंटेंशन इन, क्यों अपन कंसाइनमेंट अकाउंट इतनी मेहनत कर रहे है? क्यों क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट मेरे को अलग से पता चले और डायरेक्ट बिजनेस का प्रॉफिट कितना है मुझको अलग से पता चले बेटा ठीक है तो यहां पे लिखेंगे आप कंसाइनमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट जो आपको लिखना है लिखो ठीक है तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर फ्रेट का कितना था पांच हजार वो पैकिंग का खर्चा कितना था 500. तो ये पांच हजार पांच सौ ठीक है अब उसके बाद एक गुड्स यहां पे कुछ लॉस इन ट्रांजिट यह सब हुआ नहीं यहां पे पहुंच गया पांच हजार मीटर अब एक एक करके लिखते अब इसने सेल किया चालीस के हिसाब से तो कंसाइनी से लेना है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट तो अपने को कंसाइनी अकाउंट पूछा नहीं उसने अब आता भी व्हाट विल पास कंसाइनी टू कंसाइनमेंट कंसाइनी को डेबिट करते थे बेटा कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनी तो का नाम है वाइज ठीक है वाई तो वाइज अकाउंट यहाँ पे लिख लो सेव तो चार हजार मीटर उसने बेचा क्या रेट के हिसाब से बेचा बेटा चालीस तो चार हजार मल्टीप्लाई बाय चालीस तो यो आपका एक लाख साठ हजार एक लाख साठ तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट को अपन ने क्या करे क्रेडिट ठीक है उसके बाद और क्या बोला चलो ये एंट्री भी यहां पर गुड्स ये हो गया पहुंचा उसके तो कुछ पहुंचा कुछ खर्चे ही नहीं हुए थे सेल हो गया ये एक्सपेंस दो हजार रुपए तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइन टू वाई अकाउंट ठीक है तो, तो, तो सेलिंग एक्सपेंस है बेटा सेलिंग एक्सपेंसिस दो हजार ठीक है तो कंसाइनी अकाउंट बनाते तो उसमें क्या करते थे क्रेडिट करते थे बेटा उसके बाद अब एक कमीशन का कैलकुलेशन पे आता हूँ कमीशन का कैलकुलेशन करते तो उस पर एक वर्किंग नोट बना ले बेटा हाँ वर्किंग नोट बना लेते चलो वर्किंग नोट नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कमीशन पेबल टू वाई पेबल टू वाई ओके कमीशन पेबल टू वाई चलो अब देखो बेटा आराम से इस क्वेश्चन दो उसने टोटल कमीशन पिछले क्वेश्चन में सिखाया था आपको टोटल कमीशन इक्वल्स टू एक नॉर्मल कमीशन नॉर्मल कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस था प्लस सर प्लस कमीशन कमीशन ठीक है अब नॉर्मल कमीशन कितना बोला बेटा उसने क्वेश्चन में देखो पे क्वेश्चन में उसने कहा नॉर्मल कमीशन आपका है पांच परसेंट और सरप्लस ट्वेंटी परसेंट है ठीक है अब समझो मेरी बात आप पांच परसेंट बोल रहे हो किसका पांच परसेंट जो नॉर्मल कमीशन आपका है तो इनवाइस प्राइस पे तो इसने भेजा भे, बेचा बेटा इसने चार हजार मीटर इनवॉइस प्राइस कितना था तीस रुपए तो ये तीस रुपए पे पांच परसेंट मगर इसने बेचा चालीस में जो ऊपर के दस रुपए पे बेचा उस परसेंट बोला ट्वेंटी परसेंट सरप्लस तो ट्वेंटी परसेंट किस पे बेटा चार हजार मीटर चार हजार मीटर ये दस तो ये दस समझा ना आपको कैसा है? ये सरप्लस है बेटा चालीस माइनस तीस चालीस आपका क्या था बच्चों Invoice price, 30 क्या sorry, 40 आपका selling price, 30 क्या आपका invoice price, तो surplus हुआ? 10. कितना हुआ उसके ऊपर उसके ऊपर कितना ट्वेंटी परसेंट और नॉर्मल प्राइस उसपे फाइव परसेंट तो करो कैलकुलेट पांच चार हजार मल्टीप्लाई बाई तीस मल्टीप्लाई बाय फाइव परसेंट यह आ गया छह हजार प्लस ठीक है नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड से मैंने कुछ अच्छा एक मिनट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वॉइस प्राइस पे ही बोला ना एक सेकेंड रुकना ओहो 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 आई एम रियली सॉरी आई एम रियली सॉरी फाइव परसेंट ऑफ टोटल सेल प्रोसिड बोला ठीक है अब समझना आई एम रियली सॉरी ठीक है यहां पे बेटा इसने थोड़ा क्वेश्चन यहां पे थर्टी नहीं आएगा यहां पे फोर्टी ही आएगा उसने बोला जो उसने सेल करा वो सेल पे कितने नॉर्मल कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस नहीं है करेक्शन बेटा नॉर्मल कमीशन ऑन कराइज है ठीक है तो उसने ये चार हजार मीटर बेटा चालीस रुपए देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ तो वो सेल प्राइस बोलो और ऊपर वो सरप्लस अलग है तो इस पे ये ये यहाँ पे ये करेक्शन कर लो चार हजार मल्टीप्लाई बाय चालीस उसका फाइव परसेंट यह होगा आपका आठ हजार पिछले क्वेश्चन पे उसने इनवॉइस प्राइस पे बोला पिछले क्वेश्चन पे किस पे बोलता देखो तो फर्क है पिछला को जो क्वेश्चन कराया था यहाँ पे सेल प्राइस पे बोला उस वहां पे पे किस बोलता है इनवॉइस प्राइस पे तो वहाँ इसलिए मैंने इनवॉइस प्राइस लिया होगा ठीक है प्लस सर प्लस चार हजार मल्टीप्लाई बाय दस उसका कितने परसेंट ट्वेंटी परसेंट आठ हजार उस पर भी आठ हजार आ रहा है तो टोटल कमीशन हो गया बेटा आपका सोलह हजार क्या एंट्री पास होंगी इसकी देखो एंट्री आपको एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा लिख के आना एंट्री में आपके समझ के लिए लिखता तो, हूं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट कंसाइनी का नाम क्या है यहाँ पे ओके चलो ठीक ये चीज ख्याल रखना यहाँ यहां किस पे बोला था उसने कमीशन नॉर्मल कमीशन सेलिंग प्राइस पे मापे किस पे होता है इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस फोर्टी अगर इनवाइस प्राइस बोलता तो तो ठीक है कंसाइनमेंट okay, अकाउंट को डेबिट करोगे बेटा पे लिखो ये आपका वर्किंग नोट नंबर टू सोलह हजार रुपये कितना आ गया बेटा सोलह हजार रुपये आप तो इसकी टोटल अभी बाहर लिख सकते अठारह हजार ओके okay. अब अपने कमीशन का भी कैलकुलेशन कर ली वो स्टॉक का अब अपने को बैलेंस तो बाद में भेजते हो अच्छा बैलेंस को तो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट है नहीं जो भी कंसाइनी में बैलने का दैट विल ट्रांसफर टू वो रेमिट कर देता है ठीक है अपन ये अज्यूम करते हैं हमेशा और यहाँ पे बैलेंस कंसाइनमेंट का बैलेंस निकाला आपने कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा है फिर तो उसका बैलेंस हम निकाल देंगे लेकिन इसके स्टॉक की बात करना पड़ेगा कैलकुलेशन तो वर्किंग नोट नंबर थ्री फिर मैं डायरेक्ट बिजनेस के जो चीप पॉइंट है ना डायरेक्ट बिजनेस के इसके मैं सारे आता हूँ डोंट वरी ठीक है अब देखो यहां पे बेटा यहां पे आप लिख लो वर्किंग नोट नंबर वन हो गया टू हो गया थ्री ठीक है वर्किंग नोट नंबर थ्री कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस ऐसे लिख लो क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस का भी बोला ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस अब ना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा इस पे ना मैं कैलकुलेशन कंप्यूटेशन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसर्ट बिजनेस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं नई पॉइंट यहाँ पे आपको सिखाना है लेकिन पहले उसके पहले डायरेक्ट बिजनेस का आप लिख लो क्योंकि कुछ लिंक करना है मेरे को यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक है बेटा अब डायरेक्ट बिजनेस में कौ? मैं आऊंगा क्लोजिंग स्टॉक दोनों दोनों के क्लोजिंग स्टॉक पे साथ में बात करूंगा डायरेक्ट बिजनेस देखो परचेज था बेटा उसने सेल किया तीन मीटर तीस रुपए के हिसाब से तो इसने आपने ट्रेडिंग पेनल बनाया ना तो आप इतना याद रखना बेटा साइंस के स्टूडेंट यहां पे यहां पे क्या करना है बेटा एक्सपेंस और यहां पे इनकम बाय यहां पे इनकम लिखो बेटा सेल्स हुआ तीन हजार मीटर तीस रुपए के हिसाब से तो ये हुआ नब्बे नब्बे हजार उसने ये बेचा ठीक है बेटा अब उसके बाद यहां पे थोड़ा सा स्पेस रखना चार पांच लाइन का और उसके बाद फिर नीचे लिखना चार पांच लाइन की स्पेस के बाद लिखना बेटा फिर यहां पे उसने बोला कि गुड सेंट पे मैं आता हूं फिर यहां पर उसने बोला एक्सपेंस और ये एक्सपेंस कमीशन कमीशन एंड अब आप ये कमीशन को ना ये वाले कमीशन से लिंक मत करना ये कमीशन यहाँ पे सोलह हजार रुपए बेटा तो ये दूसरा है वो एक्सपेंस और कमीशन वो किसी और को कमीशन दे अगर वो उस, ये भी उसमें रहता तो एटलीस्ट सोलह से ज्यादा रहता ना तो वो तो तीन हजार ही है

थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रेडिंग पेनल में लेकिन अभी आप साइंस वाला करो तो आप लिख लो फाइनल अकाउंट चैप्टर आपको पढ़ोगे आप सारी चीजें वाला पॉइंट समझ जाएगा कि ट्रेडिंग पेनल कैसे बनता है अभी बस याद रखो यहाँ पे एक्सपेंस या इनकम तो एक्सपेंस था एक्सपेंस था यहाँ लिखा इनकम तो यहाँ पे लिखा ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा यहाँ पे ठीक है अब क्या होगा जो कंसाइनमेंट बिजनेस के भी कुछ एक्सपेंस थे कंसाइनमेंट बिजनेस की भी इनकम थी अपन ने वहां पर लिख लिए बेटा अब एक जो अकाउंट था गुड सेंट ऑन कंसाइन में उसको मैं क्लोज करना चाहता हूं उसका मैं कहता हूं कि टोटल मेरा यहां पर अगर टोटल करके मैं बैलेंस निकालू एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार तो बैलेंस यहां पर आ रहा है बेटा एक लाख आ रहा ही नहीं आ रहा है बैलेंस कितना आ रहा है बेटा आपका एक लाख तो इसको अपन कहा ट्रांसफर करते ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में।, में इसको ट्रांसफर करते एक लाख तो यहां पर आपने डेबिट करे तो वहां पर क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने यहां पे क्रेडिट करे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अब अच्छे से समझना बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसा बनना है आपको ऐसा बनना है कि बस आपसे होशियार कोई नहीं आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता ठीक है अब मेरी बात सुनो मैं कहता हूं कि यहां पर देखो बेटा यहां पर बच्चों मैंने इसको दो लाख रुपए से डेबिट किया था लेकिन ये दो लाख रुपए में से एक लाख रुपए के गुड्स कंसाइनी को हमने भेज दिए बेटा तो या मैं परचेज में क्रेडिट करता तो ये दो लाख में से एक लाख माइनस करता तो यहां एक लाख आता एक लाख आता या मैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया तो नेट इफेक्ट बोलो बेटा दो लाख डेबिट एक लाख क्रेडिट तो नेट इफेक्ट कितना एक लाख ही हुआ तो ये पे जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा बेटा मैं उसको पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कहता हूं व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपन बाद में बात करेंगे अभी यहां पे ध्यान दो

इसके इसने पांच हजार भेजे तो पांच हजार एक लाख रुपए हुआ तो देखो नेट इफेक्ट दो डेबिट एक करेट तो बराबर यहाँ पे एक लाख रुपए का एक्सपेंस नेट आ रहा है नॉइंट तो इसीलिए गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस का जो बैलेंस होता है वो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं आपको इसे समझ में आए बेटा अब देखो उसके बाद हमसे क्या कह रहा है पे अच्छे से एक एक पॉइंट को सारे पॉइंट को अच्छे से समझोगे बेटा ठीक है अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे अब नेक्स्ट इसमें आता हूं कि यहाँ पर यमनि लिखे ठीक है वो हो गया लेकिन यहां पे दोनों के पास स्टॉक रखा हुआ है मैं इसके स्टॉक की पहली बात करता हूं वर्किंग नोट बनाने की भी इसको जरूरत नहीं होगी बेटा तो यहां पे लिख लूंगी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख लो इन हैंड ठीक है अब मेरी बात को अच्छे से समझना कि डायरेक्ट बिजनेस में कितना स्टॉक रखा बेटा दस हजार मीटर खरीदा था पांच हजार मीटर कंसाइनी को भेज दिया बचा कितना कंसाइनर के पास पांच हजार मीटर वो 5000 मीटर में ऊपर देखो 5000 मीटर में उसने बेचा कितना 3000 मीटर तो उसके पास अब कितना बचा 2000 मीटर है ना 10 था पांच कंसाइनी को भेजा पांच इसके बाद बचा डायरेक्ट बिजनेस में डायरेक्ट बिजनेस पांच में से तीन बेच दिया तो बचा कितना 2000 मीटर डायरेक्ट बिजनेस में उसके रखा था तो बेटा यहां पर अगर मैं बोलूँ अब मेरी बात को अच्छे से समझना क्लोजिंग स्टॉक आप बोलेंगे सर ठीक है अब अच्छे से समझना बेटा आप अच्छे होशियार बच्चे हो ठीक है अच्छे से पॉइंट्स को समझना तो ये दो इसकी कॉस्ट में बोलू कॉस्ट थी इसकी 2000 मीटर मीटर था 2000 मीटर था और बीस रुपए का एक था आपको पता है बीस रुपए कैसे ला बार बार नहीं बोलूंगा 2000 हजार मल्टीप्लाई बीस चालीस हजार कैसे है पता है ना दो लाख दस हजार मीटर खरीदे दो लाख में तो एक मीटर बीस रुपए का ठीक है दो हजार मीटर कंसाइनर के पास रखे हुए अब आप बोलेंगे ठीक है तो चालीस हजार वहां पर लिख दो पहले तो मैं आपको ये चीजें सिखाता हूँ आप समझो

क्योंकि पांच आपने उठा के इधर के खर्चा उठा के अपने कंसाइनमेंट बिजनेस में लेकर चले गए लाख ले जाके तो डायरेक्ट बिजनेस के जो यहाँ पे इनकम बता रहे हो तीन हजार मीटर की एक्सपेंस बता रहे हो पांच हजार मीटर की तो ये तो ना इंसाफ ही प्रॉफिट तो आएंगे ही नहीं इनकम बता रहे हो तीन हजार मीटर की एक्सपेंस बता रहे हो पांच हजार मीटर की तो मैचिंग प्रिंसिपल का वॉयलेशन व्हाट मैचिंग प्रिंसिपल से जितने की इनकम बताए हो

जब आप वो चैप्टर हम करेंगे अच्छा सर अच्छा, अच्छा, देखो ये चैप्टर में अपन ऐसी बात की ये लॉजिक था सर वो क्या थ्योरेटिकल चैप्टर पूरी थ्योरी है चैप्टर में चैप्टर नंबर लेकिन आपने अभी इतने हर चैप्टर को करे क्वेश्चन आपको समझाया और जब आप जब यहां पे हम आगे जाएंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट आपको नाइनटी आता रहेगा जब मैं आपको रिलेट देखो ये चैप्टर में ऐसा पढ़े थे देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में ऐसा चैप्टर देखो देखो ऐसा जर्नल में बताया था तो आपको क्लिक होते जाएंगे और आप आसानी से बोला अच्छा ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था इसीलिए पेंडिंग रखे उसमें सारी थोरी

कंजर्वेटिज्म अप्रोच ठीक है? उसको प्रूडेंस के नाम से भी भी बुलाते दूसरा नाम उसका है। है है, है, वो अप्रोच ये कहती है बेटा कि जो expected expenses है, जो expected losses है, उसको पहले ही बुक कर दो एक्सपेक्टेड लॉसेस उसको पहले ही बुक कर दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाता मत अभी आपने लिखना मत क्योंकि मैं मैंने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक है मेरा चालीस हजार ठीक है क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा चालीस हजार तो नब्बे प्लस एक लाख प्लस आपने लिखना नहीं है मैं फिगर चेंज करूंगा तो यह आता है दो लाख हजार दो लाख तीस हजार माइनस दो लाख करो तो यहां पर, यहां पर आता है यहां पर आता है बेटा थर्टी थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट अब बोलेंगे सर तो प्रॉफिट आया थर्टी थाउजेंड अब अब देखो चेंज क्या आएंगे

ये आगे चलकर अच्छा एक और चीज बच्चों के दिमाग में कुछ भी आ सकता है बेटा ठीक है मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ फ्रेट रेट के खर्चे थे ना हाँ ये जो फ्रेट रेट के खर्चे थे प्लीज आप प्रपोशन पांच हजार पांच से बांटने की कोशिश मत कर देना चालीस हजार में डायरेक्ट बिजनेस का इस पे कुछ वो खर्चे वर्चे नहीं हुए बेटा वो तो कंसाइनी को जो आपने पांच हजार भेजे उस पर खर्चा हुआ ये वो है ही नहीं दस हजार में से पांच हजार जो भेजा उस पर हुआ तो कंसाइनी के पास जो स्टॉक मेरा रखा हुआ है जब मैं उसका वैल्यूशन करूंगा जब वो खर्चा हुआ वो जो गुड्स भेजा उस पर हुआ ये वो गुड्स थोड़ी जो भेजा बेटा ये तो मेरे पास ही रखा हुआ है किसके पास रखा हुआ है मेरे पास ही रखा हुआ है बेटा अब क्या हुआ यहाँ पे पे वो खर्चा नहीं हुआ इस पे बीस ही हुआ लेकिन बेटा ये जो चालीस वहां पर जब मैं कैलकुलेट करूंगा कंसाइनी के पास जो स्टॉक रखा हुआ जब मैं उसकी बात करूंगा थीके? अब ये जो चालीस हजार मेरे पास चालीस हजार का जो है रखा हुआ है बेटा यहाँ पे ये कॉस्ट है इसकी लेकिन वो कहता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू दस परसेंट से कम हो गई मतलब ऑब्वियसली मैं तो ये चाहूंगा कि चालीस से ज्यादा में बिके है ना अच्छी कीमत पे बिके मार्केट में लेकिन ये कहता है कि इसकी मार्केट में क्यों मार्केट में इसकी वैल्यू कम होने के कई रीजन होते हैं इसने कौन सा रीजन दियाट प्राइस अब मार्केट प्राइस कम हो जाती है बेचे कंसाइनी तो वाले गुड्स को चालीस रुपए में बेचा लेकिन अब वो कहता है कि उसकी कीमत थी बीस रुपए चालीस हजार रुपये जो टोटल उतने में भी नहीं बिकेगा उसकी वैल्यू दस परसेंट क्या हो गई बेटा कम हो गई तो जो हमेशा कॉस्ट जो रहती है दस परसेंट से यहाँ पे कॉस्ट में वो कहता है कि सॉरी यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम हो गई क्यों दस परसेंट से यहां पर बेटा उसकी चालीस हजार रुपया था बेटा जो उसकी कॉस्ट थी वो कहता है कि वो बीस रुपए में भी नहीं बिकेगा वो और कम कीमत पे बिकेगा अब वैल्यू क्यों कम होती कभी गुड्स डैमेज हो जाते तो डैमेज यहाँ पे उसने बोला नहीं तो वन मोर रीजन इज दैट कि आउट ऑफ फैशन भी हो जाती कहीं चीज आउट ऑफ फैशन मतलब कोई आपके पास कोई कपड़ा है उसके जैसे लेनिन का मेरे को याद है दो तीन साल पहले तीन चार साल लेनिन बहुत चलता था वो, जो कपड़ा आता था उसका ठीक है आउट ऑफ फैशन होते देखो अभी जो हम अगर हम मार्केट में देखे तो जीन्स जो होता है तो नैरो पैटर्न रहता है आप देखोगे जो फैशन में चल रहा है है ना आपको याद नहीं जब बहुत आठ सात आठ साल पहले वो थोड़ा सा उसका बैल बॉटम रहता था तो बहुत माँ पे उसका नीचे जो रहता उतना तो नैरो नहीं रहता था वो अलग अलग फैशन चलता आउट ऑफ फैशन हो जाता है उसके वजह से भी जो आपका प्रोडक्ट आपके पास गुड्स रखा हुआ है वो नहीं बिक पाता मार्केट में तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है ना मोबाइल के साथ होता तो है मोबाइल के बिजनेस में या कपड़ों का मैंने कपड़ों का एक्साम्पल दिया मोबाइल का होता है कि आउट ऑफ फैशन मार्केट में खत्म हो जाता है उसकी फैशन तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा कम शुरू में आता है तो बड़ा महंगा रहता है फिर उसका अपडेट वाले मॉडल्स मार्केट में आते तो पुराने मॉडल्स की वैल्यू कम हो जाती है बेटा

वो कहता है कि नहीं आगे नुकसान होने वाला है ना ये दस मैंने जो चालीस हजार की जो चीज स्टॉक की बात करो अभी जो चालीस हजार की चीज मैंने खरीदा था वो तो छत्तीस हजार में बिकने वाली है छत्तीस हजार में क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू इनफैक्ट छत्तीस हजार के ऊपर क्या सॉरी चालीस के ऊपर क्या दस परसेंट से वैल्यू कम हो गई उसकी दस परसेंट से वैल्यू कम हो गई बेटा तो वो चालीस में भी नहीं बिकेगा वो उसका टेन परसेंट फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स में जाए एक्सपेक्टेड है थर्टी सिक्स में जाएगा जाएंगा और बड़े अच्छे समझने की पॉइंट बारीक बारीक पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड है कि सर 36 में जाएगा चार तो उसकी वैल्यू कम हो तो पे हजार का नुकसान होगा तो बता दो को जो है, उनको अभी से बता दो कि सर वो नुकसान होने वाला टेन परसेंट होता है बेटा चार तो यहां पर मैं 40 नहीं लिखूंगा यहां पे लिखूंगा कितना लिखूंगा थर्टी फिर ये टोटल दो लाख तीस नहीं आएंगे बेटा जानबूझ के आप मत लिखना मैंने कट करके आपको समझाने बता नब्बे हजार प्लस एक लाख प्लस थर्टी सिक्स थाउजेंड तो ये वो आपका टू लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड बेटा तो ये आया आपका टू लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और यहाँ पे प्रॉफिट आएगा बेटा आपका छब्बीस हजार तो देखो जो प्रॉफिट आपका तीस हजार आया था वो प्रॉफिट जो आपका तीस हजार आया था वो प्रॉफिट अब कितना आ रहा है बेटा पे छब्बीस हजार फिर प्रॉफिट आ रहा है बेटा तो प्रॉफिट तीस का छब्बीस हुआ जान के मैंने लिखा वैसा क्यों हुआ वहां पे चार हजार कम जान के पहले रेडिंग से लिखा था काट के बताया क्योंकि जो एक्सपेक्ट ये प्रूडेंस कंसेप्ट आप समझ रहे हो प्रूडेंस को तो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है उसको अभी बुक कर लो तो इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए इसीलिए प्रूडेंस की वजह से अभी लोग आपको कोई और मतलब प्रूडेंस की वजह से ये रूल ऐसा इसको लिखते

तो कॉस्ट इज फोर्टी यहां पे लिखता कॉस्ट इज फोर्टी और एनआरवी इज थर्टी सिक्स एनआरवी मीन रियलाइजेबल वैल्यू बेटा तो ये आपका चालीस हजार की कॉस्ट थी माइनस टेन परसेंट तो विच एवर इज लोअर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कहता है कि कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर तो फोर्टी थाउजेंड लोअर है कि थर्टी सिक्स लोवर है थर्टी सिक्स तो देखो यहां पे मैंने कितना लिखा हो बेटा थर्टी सिक्स थाउजेंड कितना लिखा हो कहता है तो AS2 ऐसा क्यों कहता है बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस अप्रोच प्रूडेंस अप्रोच क्या कहता है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको पहले बुक कर लो तो इसको मैंने अगर नहीं लिखा था आपको प्रॉफिट दिख रहा था तीस हजार अब प्रॉफिट कितना दिख रहा है छब्बीस देखो चार से कम हो गया प्रॉफिट ये प्रूडेंस की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ऐसा कहता है तो प्रूडेंस प्रूडेंट एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिख लो पहले ही तो वो प्रूड ये वन ऑफ द एग्जांपल इस क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड कॉस्ट एनआरवी अब लोग कहते closing, चलो चुपचाप से जो एस टू कहता है ए, recorded, तो लिखो यहाँ पे लोअर आपकी थर्टी सिक्स लिख दो थर्टी सिक्स पे अब लोग बोलते क्यों ए एस टू है अरे ए एस टू क्यू बोलता ये भी तो बताओ एस टू क्यू बोलता कि कॉस्ट और एनआरवी लोअर ए एस टू बिकॉज ऑफ प्रूडेंस अप्रोच एस टू आपसे

30, 40. It should be recorded at 20 in that case. Why? क्योंकि वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड गेन को नहीं लिखो बेटा क्योंकि फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी वो कहता है दुख की खबर बता दो खुशी की खबर जब ही बताना जब खुशी होंगी कोई खुशखबरी आएंगी जब बताना खुशखबरी दुख वाली खबर जब जब आप बेचोगे 30 40 में जब सेल लिख देना उसको अभी से मत बताओ उसको क्लोजिंग स्टॉक को तीस चालीस पे अभी उसको जो कॉस्ट है उस पर बताओ लेकिन कॉस्ट से भी कम वैल्यू हो जाती है उसकी मार्केट में तो फिर ये दुख वाली खबर है इसको अभी बता दो वो कहता है प्रूडेंस दुख अभी बताओ सुख बाद में बताना तो दुख की खबर है बीस से भी कम उसकी कॉस्ट बीस रुपए थी पर मीटर बीस से भी कम होगी तो वो अभी बता दो बेटा फ्यूचर में अगर वो बोलेंगे नहीं सर जो तीस चालीस रहती है तो बताओ ज्यादा भी फिर नहीं 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 प्रूडेंस बोलता है डोंट बुक द एक्सपेक्टेड गेन बुक द एक्सपेक्टेड लॉसेस

नागपुर में एक धर्म पेट एरिया है से, गया घूमा वहाँ वहां ऐसे रोड पे, पे, पे लॉटरी बिकती है मैंने एक लॉटरी धनलक्ष्मी लॉटरी लेकर धनलक्ष्मी लॉटरी मैं धनलक्ष्मी लॉटरी खरीद के लेके आ सौ रुपये की खरीदा तुमको पता है जीत गया ना पचास लाख रुपये मिलेंगे ओ हो सर सही है मैंने बोला चलो चलो लिख लो ये धन लॉटरी लिखो बुक्स में लिखो पचास लाख रुपए की वो बोलेंगे सर इनकम हुई थोड़ी ना आपकी वो धनलक्ष्मी लॉटरी आपने खरीदे लॉटरी लगी थोड़ी ना सर आपको आप कैसी बात करूं? इसको लिख लो मैंने कहा नहीं नहीं, नहीं। ए, मुझे सपना आया था कल रात में मुझे उम्मीद है पूरा विश्वास है ऊपर वाले पे ये जो मैंने लॉटरी सौ रुपए की खरीदा हूं पूरा विश्वास है मुझे ऊपर वाले पे कि पचास लाख रुपए की वो जो लॉटरी पे इनाम है वो मुझे ही मिलेगा तो लिख लो धनलक्ष्मी लॉटरी से जो इनकम मिली पचास लाख अरे भैया विश्वास विश्वास फीलिंग से नहीं होता मतलब मुझे फीलिंग है अरे फीलिंग से कुछ नहीं होता यहाँ पे जब लग जाएंगी लॉटरी जब बुक्स में लिख देना आपकी इनकम अभी लगी क्या नहीं तो वैसा गेन वे नहीं मैं बोल नहीं यार लिखो मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला लिखो सेल्स इनकम लिख दो पचास हजार रुपये की बोले क्यों मैंने मेरे को फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी उम्मीद है फील हो रहा है मुझको सपना आया था कल रात में कि अभी अपना पंद्रह दिन बाद अपनी सेल होने वाला है पचास लाख इसको अभी से अरे सर बोले कैसी बातें करो जब सेल होगा जब लिख लेना जब इनकम होगी जब लिख लेना अभी से क्यों तो प्रूडेंस इसको मना करता है हाँ प्रूडेंस ये कहता है जो एक्सपेक्टेड कर लो जिसकी कॉस्ट चालीस हजार में जो चीज खरीदा जो है जो एक्सपेक्टेड छत्तीस हजार में बिकेगी तो अभी से छत्तीस पे उसको उसकी कॉस्ट को फिर चालीस नहीं छत्तीस पर दो चार हजार का नुकसान अभी से लिख लो उसको तो आपने देखो तीस का प्रॉफिट छब्बीस पे आ गया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में कम किया तो प्रॉफिट कम हो गया ऑल दीज आर द ऑफ प्रूडेंस बेटा ठीक है एनीवेज मैंने बहुत ज्यादा इस पर आपको बोल दिया समझाने आया तो चीज दिस इज प्रूडेंस इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को इट शुड बी रिकॉर्डेड कॉस्ट और एवर इज लोअर तो बराबर जो लॉस होता है अपने आप को रिकॉर्ड हो जाता है वहां पर प्रॉफिट आपका उतने से कम हो जाता है एनी वेज आपका छब्बीस हजार प्रॉफिट आया बेटा ठीक है अब यहां पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट छब्बीस मगर मैंने चाहता था सर मेरे को यहां पर मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता लगे कि मुझे मेन प्रॉफिट कितना एक्चुअल में प्रॉफिट पूरे बिजनेस का कितना हुआ अब अगर मैं डायरेक्ट बिजनेस का बोल तो आप निकाल सकते हो छब्बीस माइनस तीस कितना आएगा बेटा तेईस हजार रुपये डायरेक्ट बिजनेस का ठीक है थीके? आप चाहो तेवस भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं और कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट नीचे भी ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो ठीक है तेईस हजार रुपये मेरा ये बिजनेस का प्रॉफिट दिख रहा है

मैं जान के ना बेटा इसकी ना वैल्यू जो कम हुई टेन परसेंट पर उसके लिए जान के मैं आपको इस तरीके से बायफरगेट करके बता रहा हूँ आप ये मटेरियल का क्वेश्चन आप मटेरियल इंस्टीट्यूट को उठा के तो उन्होंने ये सब बाइफरगेट करके नहीं दी डायरेक्ट फिगर लिख दी मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूं अभी ठीक है उन्होंने डायरेक्ट लिख दिए लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझेगा नहीं आपको एकदम से तो मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा इसलिए अभी जो लिख रहा हूँ अलग अलग लिख रहा हूँ इसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा समझाने के लिए लिख रहा हूँ पार्ट इसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा जो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है पांच में से ए, ए, चार हजार बिग एक हजार मीटर ठीक है तो वन थाउजेंड मीटर मल्टीप्लाई बाय रुपीज ट्वेंटी तो ये बीस हजार हुआ था बीस हजार अब इसमें क्या आई थी बेटा लोडिंग मैं पहले ही कह रहा हूं ये जो दो चीज लिख रहा हूं समझाने के लिए लिख रहा लोडिंग कितनी थी दस रुपए तो एक हजार मीटर मल्टीप्लाई बाय रुपीज टेन तो ये हो गया टेन थाउजेंड तो यहां पे टोटल आपका ये इनवाइस प्राइस आ गया इनवॉइस प्राइस तो ये कितना होंगे थर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है बी एक्सपेंसेस या प्रपोर्शनड एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर प्रपोर्शनिड ठीक है प्रपोर्शनिड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय Insigner. अब मेरे को बताओ बेटा जो, जो जो जितना भी हो कितने खर्च किया था उसने? और ये 500. तो ये कितना हो गया वो कितने गुड्स पांच हजार मीटर भेजा था उसने पांच हजार मीटर तो फिर बेटा हजार मीटर पे कितना तो पांच हजार पांच सौ अगर हजार पे तो हजार मीटर पे कितना कितना होगा बेटा ग्यारह सौ तो उसकी कॉस्ट आ रही है पे ठीक अब यहाँ पे लोडिंग कुछ भी नहीं है बेटा लोडिंग नहीं रहता इस है तो इसका टोटल कितना आ जाएगा करू तो ग्यारह सौ ठीक है अब मेरे को बताओ बेटा मैंने यहां पे इसकी टोटल किया तीस हजार प्लस ग्यारह सौ कितना होगा बेटा थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड अब वो कहता है कि नहीं मार्केट प्राइस जो थी बेटा उसकी कितने से कम होगी दस परसेंट से कम होगी मगर वो जो दस परसेंट कम कहता है ना वो कॉस्ट के बारे में है है हमेशा ख्याल रखना तो मैं यहां पे मेरे को के हिसाब से कहता है कि कहता है कि कि इट शुड बी वो वो जो कम अगर वैल्यू कॉस्ट से हो रही तो उतने से कम कर दो क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस उसका पहले ही बुक कर दो तो मैं लेस यहां पे तो रिडक्शन रिडक्शन ऑफ टेन परसेंट इन कॉस्ट ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस कॉस्ट में कमी आई हमेशा याद रखना जो कम होता है ना टेन परसेंट मार्केट वैल्यू मतलब कॉस्ट कम हो गई उसकी मार्केट वैल्यू जो थी उसकी कॉस्ट की बात कर दस परसेंट उसकी कॉस्ट में कमी आई बेटा अब आप अगर बोलोगे सर इसका दस परसेंट पूरा कम कर दो तो गड़बड़ हो जाएंगे वहां पर ठीक था वो चालीस हजार में से वो कॉस्ट पर ही था तो उसको मैंने कहा इसका बोलोगे दस परसेंट कम कर दो तो गड़बड़ हो जाएंगे बेटा क्यों क्योंकि इसमें इसमें भी है दस हजार इनवॉइस प्राइस मैं यहां पे टोटल करता हूं बेटा तो यहां पर अगर मैं इसकी टोटल करूं तो टोटल करूं इसकी अगर टोटल करूं बेटा यहां पर आ रहा है इक्कीस और ये आ रहा है दस तो वो टोटल वहां पर हो इकतीस हजार एक सौ रुपया लेकिन अगर मैं इसको दस परसेंट कम कर दू तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसमें दस हजार लोडिंग छुपा हुआ है तो किसका कम होता है बेटा वो मार्केट प्राइस ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस उसकी कॉस्ट में दस परसेंट कमी आ गई आउट ऑफ फैशन हो गया ठीक है डिमांड नहीं मार्केट में तो उसकी दस परसेंट क्या हो गया उसकी वैल्यू कम अब इसकी जो कॉस्ट थी इक्कीस हजार एक सौ इसको दस परसेंट कम करो इक्कीस हजार एक सौ का दस परसेंट तो इक्कीस हजार एक सौ का दस परसेंट होता है बेटा कितना होता है ये जो ये हो रहा है बेटा आपका यहां पे टू वन वन जीरो माइनस करूंगा ना टू वन वन जीरो ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी ट्वेंटी हंड्रेड एंड नाइनटी तो मैं अभी क्लोजिंग स्टॉक थर्टी वन वन हंड्रेड पे नहीं लिखूंगा मैं अभी लिखूंगा ट्वेंटी एट नाइन नाइनटी पे क्योंकि यहां पे यहां पे इसका कैलकुलेशन बता देता हूं क्योंकि यहां पे बेटा ये इक्कीस हजार एक सौ का दस परसेंट नॉट थर्टी वन थाउजेंड्रेड उसकी कॉस्ट जो थी वो दस परसेंट से क्या हो होगी बेटा कम समझ में आई चीज आपको तो क्यों ऐसा करते क्योंकि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक अभी अभी आप कंसाइनमेंट अकाउंट में भी देखोगे बेटा अगर आप इकतीस एक सौ लिखोगे तो प्रॉफिट आपका दो हजार एक सौ दस रुपए से ज्यादा आएगा लेकिन अट्ठावीस अगर लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट दो से क्या होगा बेटा कम हो जाएगा काम कर 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 दो, दो। क्यों कर रहे हो? इसीलिए रहा आपका यहाँ पे आप अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते डोंट गेट अच्छा यहाँ पे टोटल अच्छा वो हो. आप कुछ भी चेंज नहीं हो घबराना मत कुछ भी चेंज नहीं हो मैंने यहाँ पे इक्कीस वन वन जीरो टू वन वन जीरो तो यहाँ पर उसका यहाँ पे अगर ये यह लोडिंग यहाँ पर टोटल बेटा आपकी दस हजार ही आएंगी और ये टू वन वन जीरो प्लस टेंटी तो इस तरीके अब ऐसा प्रेजेंटेशन कोई आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलने वाला अब वो आपको डायरेक्ट फिगर लिखे होंगे तो आपको और कंफ्यूज हो जाएगा बेटा ये लिख देंगे तो और कन्फ्यूज होता है समझाना पड़ता है कॉस्ट तो इस तरीके से आपको समझाएंगे हमेशा किस में कमी आती कॉस्ट कॉस्ट में वो जो रिडक्शन वाला पॉइंट है अच्छे समझना अच्छा पहले इसको लिख लो पहले इसको लिख लो लोडिंग, ये लोडिंग ये। तो ये दोनों कंस... अपने ये पे खत्म हो गए दोनों पॉइंट लोडिंग दस है और उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्वेंटी प्राइस वो है आपका चलो ये लिखे आपने ओके ओके यहां पे लिखो बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट नंबर कौन सी थी थ्री थी ना वो हाँ कितना था वो ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन नाइन्टी उसके बाद क्लोज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट स्टॉक रिजर्व ये भी वहीं पे से आ गई वर्किंग नोट नंबर थ्री से बेटा कितना था ये दस हजार दस हजार ठीक है अब इसकी टोटल करो प्रॉफिट निकालो अच्छा मैं क्या चीज कह रहा था कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा शायद नहीं लग रहा होगा बहुतों को तो नहीं लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए लग रहा है तो गलत है कि सर आपने यहां तो प्रपोर्शनेट बांट दिए एक्सपेंस यहां पर लेकिन जो डायरेक्ट का चालीस हजार का जो स्टॉक था मैंने यहीं पे वर्किंग बता दिया इसमें आपने प्रपोर्शनेट नहीं क्योंकि बेटा इस ले खर्च नहीं हुआ ना ये चालीस का और जो भी पैकिंग का खर्चा जो गुड्स भेजे थे तो उस पर हुआ इसीलिए हुआ उसके कंसाइन कंसाइनी के पास जो स्टॉक रखा उस उसपे आया इस पर नहीं आया बेटा ठीक है एनी चलो अब यहां पर आ जाओ कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लाख सिक्सटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी एट नाइन नाइनटी तो यार टू लाख थर्टी एट थाउजेंड नाइन नाइन्टी टू लाख थर्टी एट थाउजेंड नाइन नाइन्टी माइनस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पाँच हजार पाँच सौ माइनस अठारह हजार माइनस दस हजार फिफ्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो किसका प्रॉफिट है बेटा कंसाइनमेंट बिजनेस का तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू पीएनएल अब यहां पे डेबिट करें कंसाइनमेंट में तो पीएनएल को अब अभी इसमें पूरा क्वेश्चन है ट्रेडिंग पीएनएल सब बन रहा है तो यहां पे पीएनएल को क्या करोगे क्रेडिट तो बाय कंसाइनमेंट ओहो सर ये होता है हा कंसाइनमेंट को आपने क्या करे डेबिट तो हमेशा बोलता है पीएल में ट्रांसफर क्वेश्चन में पीएनएल बनाए भी बेटा तो यहां पे लिख दो प्रॉफिट ऑन कंसाइन डेबिट यहां क्रेडिट ओके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर नाइनटी प्लस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो ये आ गया आपका एटी वन थाउजेंड फोर नाइनटी वन थाउजेंड फोर नाइनटी माइनस थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट थाउजेंड फोर नाइनटी तो ये आ गया आपका टू नेट प्रॉफिट अब अच्छे से समझना नेट प्रॉफिट अभी जो नेट प्रॉफिट है सर वहां पर भी आया था वो कंसाइनमेंट बिजनेस का था उस प्रॉफिट को यहां पे लेके गए तो मैं कहता हूं मैं हूं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है मैं हूं ठीक है मैं कौन हूं मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं एग्जाम्पल मैंने कहा परफॉर्मेंस बताओ या मैं मालिक हूं इस कंपनी का ओनर हूं मैंने देखा 78490 कंपनी का पूरा प्रॉफिट हुआ मगर मैंने कहा मुझे दिख रहा है क्रेडिट साइड में 55490 ये मेरे कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट 78490 में से 55490 मेरे कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट है मैं हूं इस कंपनी का मालिक इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मुझे पता है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ उसमें से टोटल प्रॉफिट ही तो उसमें कंसाइनमेंट बिजनेस का इतना है

ताकि हमको उसका परफॉर्मेंस अलग से पता चले तो मैंने आज दो ही क्वेश्चन कराया बेटा आज के सेशन के लिए इतना ही मैं थोड़ा सा आगे का प्लान भी आपको बता दू ठीक है यू डू अंडरस्टैंड अच्छा ये आपने माइनस क्यू करे समझा ना आपको हमेशा जब भी रिडक्शन हो तो कॉस्ट वाले पोर्शन को कम करना लोडिंग वाले पार्ट को कम मत कर देना ठीक है कॉस्ट में कमी आती है ओके अब दूसरी चीज बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर नाइन हुआ

17 और एटीन मैं ये टारगेट रखूँ ये तीन क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में करा ठीक है उसके बाद फिर नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फिर उसके बाद वाले सेशन में ये तीन क्वेश्चन तो दो सेशन और लूंगा बेटा ठीक है दो सेशन और लूंगा ठीक है एक सेकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है दो सेशन और लूंगा ट्वेंटी दो सेशन और लूंगा टेन सेवन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी अगले सेशन में हमें तीन करेंगे और फिर ये तीन क्वेश्चन के बाद तो दो दो घंटे आई थिंक मेरे को लगना चाहिए उसके आसपास ठीक है आज एक्सप्लेनेशन वो नई नई चीज आए तो आपको एक्सप्लेन करा तो आज के लिए इतना ही बेटा होमवर्क सेक्शन में होमवर्क सेक्शन में कुछ हम बात कर ले क्या दो मिनट रुको मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा हो गया था आई थिंक एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको फिफ्थ भी दिया था ठीक है फिफ्थ हो गया था चलो ठीक है अब आपने आप ना आप खुद ट्राई करो अब आप कर सकते हैं। बहुत हमने कर ली बेटा ठीक है बहुत से क्वेश्चन हमने किए ओके okay. अब आपने ना क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग ट्राई रुखो राजर कंसाइन फिफ्टीन थाउजेंड केजीज ऑफ घी एट रुपीज थर्टी पर केजी टू एजेंसी राज एट दिल्ली रुपीज फाइव पर इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग द घी एट दिल्ली ऑन द दी हंड्रेड लीकेज घीज इज टू बी ब्रीटेज नॉर्मल लॉस तो क्वेश्चन में क्या है देखो उसने क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला इसको तो नॉर्मल लॉस ट्रीट करो ठीक है

ठीक है अगर कुछ डाउट है तो डाउट में पूछना इसमें ये नॉर्मल लॉस भी बेटा आपका हंड्रेड के जी और एब नॉर्मल है फोर हंड्रेड के जी ठीक है ये तो दो मिनट आप कर भी सकते हो डिस्कस फटाफट चलो नहीं तो कर लेते ठीक है पांच मिनट लगेंगे बस 15,000 थाउजेंड के जी तो उसने तीस रुपए में भेजा तो 15,000 थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थर्टी फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड स तो फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फाइव कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैसे अब वो लॉस हुआ वहां पर बेटा सौ के जी है चार सौ के जी सौ नॉर्मल है चार सौ एब नॉर्मल है ठीक है पांच हजार नौ नौ हजार वॉस्पिट बायू कंसाइनर डायरेक्टलीस कम इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दिया उसकी भी अपन देखेंगे मगर कंसाइनर को डायरेक्टली दिया सिराज सोल कंसाइनी ने बेचा सात हजार पांच सौ साठ रुपए में साठ रुपए में तो यह फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड

चार हजार थे बेटा आपका यहाँ पे यहां पे ये कितना था आपका चार हजार हमारा सॉरी नॉट चार हजार चार सौ के था बेटा और उसकी कॉस्ट कितनी थी तीस ये इन प्राइस वाला नहीं है तो ये हुआ बारह हजार एक्सपेंसिव जो कंसाइनर ने इनकर्ट किया पांच रुपए पर के जी। तो चार सौ मल्टीप्लाई बाय पांच कितना हो गया बेटा ये हजार तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चौदह अभी चौदह हजार था बेटा तो यहाँ पे चौदह हजार आप ये नॉर्मल लॉस आए लेकिन इसने अलग अलग बताया डायरेक्ट चौदह हजार भी बता सकते हो ठीक है अब उसके बाद बेटा यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिला उसने अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला अगर बनाता तो इंश्योरेंस क्लेम और रिसिवेबल इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता तो कैश अकाउंट डेब एब लॉस तो नेट महा पर वो बराबर जो लॉस ट्रांसफर टू पीन अब यहाँ पे देखो चौदह अब इसने अलग अलग बताया घबराना मैं चौदह और नौ और पाँच है नौ हज़ार रुपये मिले और पाँच हज़ार रुपये का लॉस टोटल ऐसा बताया लेकिन यू कैन ट्रांसफर कंप्लीट फोर्टीन टू एब लॉस इस तरह एब लॉस इसको चौदह से डेबिट करते बेटा और ये नौ से याँ क्रेडिट करते। बच्चा हुआ पांच हजार रुपए पीएनएल में चले जाता ठीक है अब उसके बाद देखो बेटा यहां पर इन्वेंट्री की बात करो तो इसने भेजा कितना था पंद्रह हजार यूनिट उसने भेजा था अच्छा वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री एक में टोटल कॉस्ट निकाल रहा कॉस्ट पर यूनिट क्योंकि चेंज होंगे उसके लिए एक एक देखो तो ये पंद्रह हजार था बेटा वैसे क्लोजिंग स्टॉक में पंद्रह हजार नहीं है रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक में पंद्रह हजार रखा हुआ नहीं है बेटा क्यों नहीं रखा हुआ है क्योंकि उसने कुछ बेचा ना मगर टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी पहले समझ लो पंद्रह हजार बेचा था तीस रुपए पंद्रह हजार क्वान्टिटी तीस के चार लाख पचास है बेटा एक्सपेंसिस इनकर्ड बाइन सेवेंटी फाइव था अब ये एबनॉर्मल लॉस था बेटा अपना उसमें से चार सौ क्या हुआ गुड्स तो एबनॉर्मल लॉस हो गए तो पंद्रह हजार में से क्वांटिटी चार, चार सौ की चले गई तो चौदह हजार छह सौ उसकी कॉस्ट थी बेटा ये चौदह हजार तो वहां से हटा दिया अपन ने कंसाइनमेंट बिजनेस हटा दिए थे तो ये ये एबनॉर्मल तो बचे कितने चौदह हजार 600 अब क्या हो बेटा यहाँ पे नॉर्मल लॉस ये इंटरेस्टिंग पॉइंट नॉर्मल लॉस कितना था बेटा सौ तो क्वांटिटी कम होगी लेकिन उसकी कॉस्ट कुछ यहाँ लिखी कि आप बोलेंगे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट लिखे इसके नहीं लिखे आपको बताया था पहले बेटा मैंने पहले चीज बताया था सिखाया था आपको कि इसकी कॉस्ट जब होती है बेटा यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट होता है यहाँ पे नॉर्मल uh, लॉस जो होता है उसकी जो कॉस्ट को बेयर रिमेनिंग क्वांटिटी करती तो इसलिए उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं लेते यहाँ पे क्वांटिटी कम होगी चौदह हजार सात सौ ये उसकी कॉस्ट हो गई बेटा तो क्वांटिटी ऑफ घी सोल्ड इतनी क्वांटिटी आपने बेच दी तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है सात हजार से बचा हुआ है उसकी कॉस्ट अच्छा यहाँ पे प्रपोर्शनेट लिखाओगे पांच लाख ग्यारह हजार अगर चौदह हजार पांच सौ पे चौदह हजार पांच सौ क्यों बेटा क्योंकि ये चौदह हजार पांच सौ क्यों आपके टोटल कितनी देखो चौदह हजार पांच सौ ही ना बेटा तो चौदह हजार पांच सौ पे बेटा तो फिर आपके क्लोजिंग स्टॉक पे कितना रखा है सात हजार तो सात हजार पे कितना पांच लाख ग्यारह हजार अगर चौदह हजार पांच सौ पे तो फिर बेटा सात हजार पे कितना तो टू फोर सिक्स सिक्स एट नाइन पॉइंट कुछ आ रहा तो नाइन जीरो अब ये चौदह हजार पांच सौ बेटा गड़बड़ नहीं करना चौदह हजार पांच सौ तो सर वो पांच सौ कहां गए नॉर्मल लॉस सौ था एबनॉर्मल लॉस चार सौ था तो वो हट गए ना बेटा यहां से तो ये जो खर्चा हुआ पांच लाख ग्यारह हजार कितने पे बेटा चौदह हजार पाँच सौ पे की कॉस्ट पर हो आप बोलेंगे सर इसकी कॉस्ट कहाँ गई इसकी कॉस्ट गई चार सौ की तो चार सौ की जो कॉस्ट थी यहाँ पे मैंने माइनस किया ना बेटा यहाँ से माइनस किया तो आप ये मत कहना कि सर ये पांच लाख ग्यारह हजार जो हुए सर आप बोलेंगे पाँच लाख ग्यारह हजार सर ये होना चाहिए था चौदह हजार नौ सौ पे आपकी बात सही है मगर चौदह हजार नौ सौ यहाँ क्यों नहीं लिखा क्योंकि चौदह हजार यहाँ पे यहाँ पे चार सौ जो थी क्वांटिटी चौदह हजार नौ सौ होना था क्योंकि पांच लाख ग्यारह विल बी बेयर बाय द रिमेनिंग क्वांटिटी बात बिल्कुल सही है बेटा रिमेनिंग क्वांटिटी आप बोलेंगे सर लेकिन ये मैंने यहां से ऑलरेडी कम कर दिया और इसकी क्वांटिटी भी आप लॉस को यहां पे कम कर दिया मतलब ये पांच लाख ग्यारह हजार किस पे हुए बेटा खर्च आपके चौदह हजार पांच सौ क्वांटिटी पे हुए और ये सौ को तो रिमेनिंग क्वांटिटी बेर कर रहे क्योंकि यहां पर उसकी कुछ भी कॉस्ट नहीं है तो बेटा यहां पर क्या हुआ पांच लाख ग्यारह हजार चौदह हजार पांच सौ बोलेंगे सर नहीं नॉर्मल लॉस को ही हटाते है ना वो जो थी आपकी यहाँ पे यहाँ पे चौदह हजार नौ सौ लिखो नहीं बेटा चौदह हजार नौ सौ नहीं क्योंकि आपने यहाँ पे चौदह हजार रुपए उसकी कॉस्ट को भी कम कर दी ना एम नॉर्मल लॉस की हाँ अगर आप ये चौदह हजार यहाँ पे नहीं करते इसमें ऐड करते यहाँ पे तो फिर यहाँ पे चौदह हजार नौ सौ लिखते तो उस पर उतना तो फिर इस पे कितना ठीक है चलिए चीज ख्याल रखेंगे बेटा ठीक है एनी तो ये वो तो आज एक एक क्वेश्चन सिक्स आप करो एक सेकेंड रुकना ओके ठीक है ये चीज ख्याल रखेंगे बेटा आप यहाँ पे कि इसको आप यहाँ पे इस इतने ये क्वेश्चन बस यहीं पे पे करेंगे अपन कि क्वेश्चन नंबर एक ही करो ठीक है और ठीक है एक ही करो यहाँ पर बेटा बाकी फिर मैं नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उस पर बोलता मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे देखने तो और कुछ अपन कर सकते एक रुकना ये हो गया ना अपना एक सेकेंड दो मिनट जिसकी मैं टू मिनट्स बेटा चलिए ठीक है आज हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा नाइन तक हो गया और क्वेश्चन नंबर टेन से विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन तो आज के लिए इतने एक एक करके करो नहीं तो बहुत से कराऊंगा मतलब मतलब आज दो ही क्वेश्चन करे डिस्कशन वाला पार्ट बहुत था और फिर हम कल से ये जो बच्चे हुए क्वेश्चन करें इट विल टेक हार्डली टू मोर सेशन अच्छे से पढ़ाई करो खूब पढ़ाई करो और आप लोगों को क्या लाना है एट्टी प्लस अकाउंट में लेकर ही आना है कुछ भी डाउट रहे तो आप डाउट सेशन में आएंगे और वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी आई विल डाउट सेशन थोड़े हुआ नहीं अभी एक वीक में आई वाज बिजी बाहर था नागपुर के लेकिन मैं आ गया विल कटेड डाउट सेशन वेरी सुन टेक केयर बाय बाय